कनेक्ट तो नहीं हो, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके ही बताएंगे, ठीक है? ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम दिल्ली में आने के लिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है? हाँ, कुछ लोग तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको इंट्रोडक्शन भी देना पड़ेगा। तो माय नेम इज़ रितु पाठक और मैं 2016-17 से नर्सिंग एक्सपर्ट में क्लास ले रही हूँ, लेकिन सिलेक्शन कहीं और होने की वजह से, एम्स में इधर उधर जाने की वजह से बीच में, और कोरोना तो आपको पता ही है, जिससे क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। अब कंटिन्यू क्लास रहेगी, और क्लास तो पता ही है आपको, क्लास किस चीज़ की है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी, ठीक है? ये आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि क्लास में आज हम क्या करेंगे, बेसिक से ऑप्स एंड गाइडिंग को रीड करेंगे। एक बार आप सबसे पहले देखेंगे, टॉपिक हम लिख लेते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा हाफ एन आवर का कि क्या है। सबसे पहले आपको पता है, आपको मैम दिख नहीं रहे हो आप, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग, वो बोल रहे हैं गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, कोई बोल रहा है दिख नहीं रहा है, कैसे मैं नहीं दिख रही हूँ? मैं तो सामने ही खड़ी हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं बिल्कुल क्लियर दिख रही हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक एंड बातें कम करेंगे, अब कमेंट में अगर ध्यान रहेगा तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी। आप मेरी बातों को सुनो, अगर क्लास में कोई डाउट होगी तो कमेंट करना, नहीं तो आप कमेंट में ही रह जाओगे, फिर क्लास नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है? सबसे पहले मैं आपसे ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि आपका गोल क्या है। ऑब्वियसली आप बोलोगे गोल हमारा क्या है, गवर्नमेंट जॉब है तभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है? गोल सेट करोगे तभी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको पता है ऑप्स की क्लास है, लेकिन ऑप्स की क्लास को पढ़ने से पहले हमारा क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि आज इस क्लास में हम सब कुछ क्लियर करें, जो टॉपिक हमारा है वो अच्छे से क्लियर हो, अगर एग्जाम में आए तो उसमें से कुछ भी मिस ना हो, ठीक है? तो आप जिस दिन ज्वाइन किया होगा आपको पता है उस दिन आपने क्या अपना गोल सेट किया कि मुझे किसी को एम्स में जाना है, एम्स में जाना है, किसी को सीएचओ, किसी को पीजीआई में जाना है, ठीक है, किसी को डीएसएसवी में जाना है, ठीक है, डीएसएसवी में जाना है, पीजीआई, सीएचओ, एम्स में जाना है, कहीं और जाना है, किसी और इंस्टीट्यूट में जाना है, तो उसके लिए आपने पहले अपना गोल सेट किया ना, उसी के टाइप से पढ़ाई होगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कोई भी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं तो उससे पहले गोल हमारा क्या, सिलेबस है। हमें अपना क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। हमें पता ही नहीं होता कि इसमें पढ़ना क्या है। ऑप्स गाइनी में पढ़ने के लिए पूरी डीसी दत्ता पड़ी हुई है जो कि हम पढ़ सकते हैं, तो हमें उसमें ये पता होना चाहिए कि जो लास्ट 10 ईयर से एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। कि कोई भी सिलेबस नहीं देता है आपको, देता है क्या ऑप्स गाइनी का सिलेबस देता है कि सिलेबस में ये टॉपिक आएगा, ये आएगा, नहीं। सिर्फ आपका सिलेबस में क्या लिखा रहता है, मिडवाइफरी नर्सिंग आएगा। अब इस मिडवाइफरी नर्सिंग में बच्चा कहाँ तक जाएगा, वो चीज आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑप्स गाइनी में सिलेबस में पढ़ना क्या है। और मेरे एक्सपीरियंस से लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यूस में एग्जाम में जो भी एग्जाम्स हैं उसको देख रही हूँ, और उसके सारे पेपर्स 10 ईयर्स के सारे रेडी हैं, उसके बेस पे मैंने सिलेबस बनाया है, किसका, ऑप्स गाइनी का। समझ में आ रहा है? तो वो सिलेबस आज हम देखेंगे, और वो आपको पीडीएफ में चाहे तो मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको बस समझना है कि वो सिलेबस में क्या क्या टॉपिक लिखा हुआ है, और उसी को गोल बना के वही सिलेबस हमारा क्या होगा, ये सिलेबस ही हमारा क्या होगा, गोल होगा। ये सिलेबस ही हमारा क्या होगा, गोल होगा। कि ये सिलेबस पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, ये गोल आपका कंप्लीट हो जाएगा, और कोई भी एग्जाम होगा उस एग्जाम के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके क्वेश्चन तो गलत नहीं करोगे, ठीक है? इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो हम सिलेबस एक बार देख लेते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। देख ले सिलेबस, ओके। एक बार सिलेबस देखेंगे, ये हमारा सिलेबस है, ठीक है? ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग सिलेबस फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। आज इंट्रोडक्शन है, हाफ एन आवर 1 आवर का इंट्रोडक्शन होगा, तो उसमें आप ये सिलेबस अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है?
समझ में आ रहा है? तो इस पे ध्यान देंगे ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग सिलेबस फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम। अगर आपने ये गोल सेट कर लिया, ये सिलेबस को अच्छे से याद कर दिया, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आपका ऑप्स गायने का कोई क्वेश्चन गलत होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे पहला टॉपिक सिलेबस में मैंने क्या लिखा है, गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। समझ में आ रहा है गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग क्या है? सबसे पहले उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन यहां से भी आता है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिसऑर्डर्स। क्योंकि आपको यह रहता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये टॉपिक नहीं हुआ है, तो ये पूरा 10-20 ईयर्स के एग्जाम पेपर्स के बेस पे ये सिलेबस बनाया हुआ है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको अच्छे से नोट डाउन करना है, इसको समझना है। नेक्स्ट है मीनोपॉज, पीएमएस। पीएमएस क्या है, प्री मेंसुरल सिंड्रोम। ये गायनेकोलॉजी के टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे विद एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स। ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दो, क्लियर नहीं दिख रहा। अब ये ब्राइटनेस कहां से कम होती है ये तो पता नहीं है मुझे। ये आपको दिख नहीं रहा है क्या? अरे यार इतने मैसेज मत करो, ये आप एक बार समझ लो, ये क्लास नहीं है, ये बस पीडीएफ के फॉर्म में है, ये आपको मिल जाएगा वैसे, ठीक है? तो अभी एक बार सुन लो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड पीआईडी, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डीयूबी डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग, कार्सिनोमा सर्विक्स, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, मायोमा, फाइब्रोमा, यूटराइन प्रोलैप्स, सिस्टोसील, रेक्टोसील, ये टॉपिक है, ठीक है। इनफर्टिलिटी, स्टरिलिटी एंड कॉन्ट्रासेप्शंस, ठीक है, ये हम किसमें पढ़ेंगे, गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग में पढ़ेंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो आप मेरी वॉइस तो सुन रहे हो, वॉइस सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि गायनेकोलॉजी में क्या क्या टॉपिक लिखा हुआ है। हाँ दिख रहा है, ठीक है ठीक है। ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग में देखेंगे क्या क्या है, ओबीजी के अंदर इंट्रोडक्शन टू ओबीजी एंड बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, एमनियोटिक फ्लूइड एंड प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मैलिटी भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। यही जो एक दो नंबर लिखा हुआ है ना, यही आपकी क्लास है, इसी के बेसिस पे मैं पढ़ाऊंगी, यही हमारा गोल है। समझ में आ रहा है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फीटस है, फीटल सर्कुलेशन भी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी, साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, मैटरनल पेल्विस, फीटल स्कर्ल, प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, एंटीनेटल असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग, ओके, फीटस इन यूट्रस एंड ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप, लियोपॉड मैन्यूवर विद डायग्राम्स, ठीक है, वो आप आज की क्लास पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्लास का क्या पैटर्न है, डायग्राम्स एंड वीडियोस कैसे मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? फीटस इन यूट्रस, ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप हो गया, लेबर है, लेबर के जितने भी स्टेजेस है, इवेंट्स है, मैकेनिज्म है, मैनेजमेंट है, कॉम्प्लिकेशन है, पार्टोग्राफ है। अगर आपने ये मेरा सिलेबस भी पूरा याद कर लिया ना, तो इसके क्वेश्चंस को आप इसके टॉपिक को समझ के अच्छे से कर सकते हो। समझ में आ रहा है? परप्यूरियम मैंने उसकी एबनॉर्मैलिटी को भी डिस्कस करेंगे, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, ठीक है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हैं। ये आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्रीटर्म प्रेगनेंसी, PROM, APH एंड PPH है, PIH है, माल प्रेजेंटेशन है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम है, हाइड्रेटिफॉर्म मोल है, ठीक है, एबॉर्शन, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, GDM है, एनीमिया है, हार्ट डिजीज है, इन्फेक्शंस ऑफ प्रेगनेंसी है, टॉर्च में हम पढ़ेंगे, ठीक है, सर्जिकल ऑब्स्ट्रेक्टिक उसके बाद पढ़ेंगे, एपिजियोटमी, फॉर्सेप, वेनोटो, सिजेरियन सेक्शन, टॉपिक जितना भी लिखा है, लेकिन इसके अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने उसका नाम नहीं लिखा तो होगा नहीं, जब हम टॉपिक करेंगे उसके साथ साथ ही पॉइंट्स में मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। एंड ऑब्स्ट्रेक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसका हम डायग्राम्स के साथ, उसका काम क्या है, कहाँ पे यूज होता है, वो हम वहां पे करेंगे, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिकल मेडिकेशंस हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, सिलेबस है। ये अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो साथ साथ कर सकते हो, अगर आपको विजिबल है तो, ठीक है, विजिबल है तो आप ये लिख सकते हो, क्योंकि यही जो है, यही बेसिक्स, इसी को हम क्या करेंगे, इसी को पूरे क्लास में हम स्टडी करने वाले, यही हमारा गोल है, यही हमारा सिलेबस है। और इसे बनाने में बहुत मेहनत हुई है, कि जितने भी एग्जाम्स के पेपर्स हैं उसको देखा है,
उसमें कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादातर आए हैं उस टॉपिक को उठाया, नहीं तो अगर मैं सिलेबस बनाती तो कम से कम 100 टॉपिक्स हो जाते हैं किसके अंदर, ऑप्शन गाइनी के अंदर 100 से ज्यादा, पूरी डीसी दत्ता है पूरा सिलेबस मैं लिख सकती थी, लेकिन उसको बहुत ही शॉर्ट एंड समराइज व्यू में आपको यहाँ पे बना के दिया है। हमारे एग्जाम एंड लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के एम्स के पेपर के बेसिस पे ये बना हुआ है ऑल एग्जाम्स, ठीक है। तो ये हर एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर CHO का वो PGI का एग्जाम होगा तो वो हम नहीं कर सकते। अगर ये सारे टॉपिक पढ़ लेंगे तो सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं जो NORSET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अब एम्स का एग्जाम ऐसे नहीं होता कि एम्स दिल्ली का है, मंगलगिरी का है या रोहतक ऋषिकेश, इसका जो है वो एम्स का एग्जाम अलग होगा। पहले अलग होता था, अलग पेपर्स आते थे, अलग पैटर्न होता था रायपुर में, जैसा कि आपको क्या आता था आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च बहुत ज़्यादा आता था, इस टाइप से है। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आपको NORSET क्लियर करना है, मींस एम्स दिल्ली के एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो ये इसके लिए एम्स NORSET के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए ये है नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स एम्स दिल्ली NORSET 2021 के लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि एम्स दिल्ली का एग्जाम अब तो हो गया, जो आपने दे दिया नहीं हुआ या जो भी हुआ, अब आप क्या करोगे 2021 ही आपका गोल होगा, ठीक है। और उसमें आपको पता है नर्सिंग के कितने क्वेश्चंस आते हैं, 180 आते हैं और जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आते हैं। अब इस नर्सिंग के सब्जेक्ट्स में आपको एक सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर करना है, जो कि मैं पढ़ाने जा रही हूं, बाकी सारे सब्जेक्ट को भी अच्छा करना है। मैम ये सब पढ़ाओगे ना आप? अरे यार मैं ऐसे धोखा थोड़ी दे रही हूं, सारा पढ़ाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, शेयर कर देंगे आपको, ये PDF शेयर कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। और ये जो आपका नर्सिंग का सब्जेक्ट्स है वो 180 है, उसमें से जो आपका 20% ऑप्स गाइनिक आता है, जैसा कि आपने देखा है ज़्यादातर डायग्राम्स हैं, वीडियोस हैं या फिर क्वेश्चंस OBG के बहुत सारे एम्स दिल्ली के एग्जाम्स में आते हैं, तो उसको हम इस टॉपिक के बेसिस पे पूरा कवर करेंगे, जिससे आपका एम्स दिल्ली का NORSET का एग्जाम हो या फिर कोई और ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी एग्जाम हो वो आपका इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बिलीव अपने अंदर भरोसा रखना होगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं क्या करें। आप अपना माइंड सेट रखो, ठीक है, एक जगह जहाँ करें वहाँ अच्छे से करो, क्योंकि कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, वही चीज़ें बताएगा जो है गाइनी ऑप्स में, वही तो होगा ना। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इतने दिनों से क्लास ले रही हूँ, उस बेसिस पे जो प्रिपेयर किया है वो मेरे हिसाब से बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दे, कहां से हटेगा, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं, अब नेक्स्ट हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे क्या करना है, ये चीज़ें हो गई और मोटिवेटेड रहना है, ऐसा नहीं करना कि बहुत लोग कहते हैं मैंने इतने एग्जाम दे दिए नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब जिस टाइम पे मैं प्रिपेयर करती थी 2014-16 में ऐसा लगता था कि बस सब पैसे ही चलते हैं और हम लोग तो बस ऐसे एग्जाम दे रहे हैं, हमारा तो होगा नहीं, जिसके पास पैसे हैं वो देंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि अपना तो होता ही नहीं था कहीं पर भी, ठीक है। बेटे सब कुछ बता देंगे, आप परेशान मत हो। ओके मैम आपको कितने टाइम का है? अरे मेरे को एक्सपीरियंस कितना है क्या है, आप क्लास देखो, एक्सपीरियंस तो बहुत है, ठीक है, बहुत। आपको बता दिया, आते ही मैंने बता दिया, मैं 2017 से तो नर्सिंग एक्सपर्ट में ही पढ़ा रही हूँ। हाँ बस ये बातें करते रहो, आप पढ़ो मत, ठीक है। तो मैं अभी क्या बोली थी, आप मेरे को मेरे जो पॉइंट रहते ना वहां से इधर उधर हटा देते हो ये बातें कर करके। मैं एम्स कौन से, मैं एम्स मंगलगिरी में थी, पहले अपना इंट्रोडक्शन क्लियर दे देते हैं, मुझे लग रहा है हाँ मैं एम्स मंगलगिरी में थी, लास्ट 1 ईयर से एम्स मंगलगिरी में वर्किंग थी। अभी एम्स रायपुर में भी हो गया था, वहाँ मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मुझे दिल्ली आना था, ठीक है, और एम्स दिल्ली मुझे चाहिए ही नहीं था, तो मुझे DSSB चाहिए था, मेरा गोल ही था कि DSSB, और 2012 के बाद से कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं था, तो ये बता देते हैं DSSB का एग्ज़ाम अभी हुआ था, वो मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरे जो मार्क्स थे वो 147 मार्क्स थे और अभी मेरा सिलेक्शन DSSB में हो गया है, मैं दिल्ली आ गई हूँ, अभी मैं पंत हॉस्पिटल में हूँ, ओके। और कोई इंट्रोडक्शन चाहिए, GV पंत हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ पे वर्किंग हूँ,
फाइनली मेरा जो गोल था डीएसएसवी का, वो डीएसएसवी मैंने अचीव कर लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एम्स दिल्ली मुझे नहीं चाहिए था। बाकी आप अपना गोल सेट कर लो, आपको क्या चाहिए। बाकी मेरा सिलेक्शन बीएचयू में भी हुआ था, ईएसआईसी में भी हुआ था, एम्स मंगलगिरी में हुआ था, एम्स रायपुर में हुआ था, डीएसएसवी में हुआ था। तो मेरा सुन के आप क्या करोगे, आप अपनी पढ़ाई करो और आप ये सारे सिलेक्शन लो, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरत अभी आपको है। और ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने भी बहुत पहले ऐसा सोचती थी नहीं होगा, सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। मेरे फर्स्ट जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे 28 मार्क्स आए थे और मुझे ऐसा लगता था बस अब कुछ नहीं आता, नर्सिंग में हम जीरो है। लेकिन मैंने वहाँ से उठ के आज यहाँ तक अचीव किया है। तो वो मैं चाहती हूँ कि वो आप ऐसा ना सोचो, वो आपको प्रोवाइड करूँ, इतना अच्छा प्रोवाइड करूँ कि आप जो चाहो वहाँ पे सिलेक्शन लेके वहाँ पे जॉब करो अपना 100%। तो ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं, बातें बहुत हो गई बीच बीच में, अगर आपको जो डाउट होगा वो पूछ लेना। हाँ, कैसे स्टडी की, कैसे सिलेक्शन हो गया, सब बताएंगे। पहले आप अपना टॉपिक जो है वो पढ़ लो, ठीक है, तभी आप कुछ चल गया। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी। अब आपने देखा होगा इसमें क्या लिखा हुआ होता है, मिडवाइफरी नर्सिंग। अब इस मिडवाइफरी नर्सिंग का मीनिंग क्या होता है, आप सबने नर्सिंग की हुई है, ठीक है, आप सबको पता है, जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी बताए वो सब आपको पता है कि ये सारे टॉपिक्स हैं, ये हमें पढ़ने होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो हम एकेडमिक में पढ़ते थे कि ये चीज़ें ऐसी हैं, हमें 15 नंबर में लिखना, ये सब डिफरेंट है। अब क्या है, यहाँ पे हमें एग्जाम को क्रैक करना है, मतलब हमें एक टॉपिक में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस निकालने का तरीका सीखना है, हमें टेक्निक सीखनी है, मतलब हर टॉपिक में टेक्निक सीखनी है, किस टेक्निक से क्वेश्चंस कैसा भी आए हम उसको कर सकते हैं, वो टेक्निक मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मिडवाइफरी नर्सिंग, अब हम बेसिस से स्टार्ट करते हैं। आप सबके पास जो डिग्री है वो किसकी है, RN RM की है। ये क्या है, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ। एम्स दिल्ली के बेसिस पे चलते हैं कि सबसे टॉप लेवल इंडिया लेवल का जो एग्जाम्स है वो एम्स दिल्ली का है। अगर उसके लिए आप सोच के प्रिपेयर करेंगे तो बाकी सारे एग्जाम्स तो हो ही जाएंगे। समझ में आ रहा है, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ, नर्सिंग बाकी MSN जितना भी पार्ट्स है वो, एक रजिस्टर्ड मिडवाइफ का भी डिग्री आपके पास है ना, उसी में रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ, मींस मिडवाइफरी नर्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए एम्स दिल्ली हर बार जो क्वेश्चंस 20-25% जो है OBG का और पीडियाट्रिक्स का आता है वो किससे आता है, एम्स दिल्ली का टॉपिक में पीट्स ऑप्स एंड पीट से आता है। तो मिडवाइफरी नर्सिंग को पहले समझते हैं, मिडवाइफरी नर्सिंग क्या है, कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडवाइफरी नर्सिंग। अगर आप इसके मतलब को समझ लोगे तो वहां जो आपके प्रायोरिटी वेस्ट क्वेश्चंस होते हैं आप उसको करने में कभी गलती नहीं करोगे। समझ में आ रहा है, मिडवाइफरी नर्सिंग सबसे पहले ही हमारा क्या है, इट इज अ प्रोफेशन। आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे ये आपके लिए बेस्ट होगा, हैंड रिटन नोट्स इज बेस्ट नोट्स मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है। इट इज अ प्रोफेशन और प्रैक्टिस ऑफ असिस्टिंग वुमेन इन चाइल्ड बर्थ। हमने मिडवाइफरी नर्सिंग की बात की है, ठीक है। हाँ, अभी यही चीज बता रही हूं मैं आपको, ठीक है। मिडवाइफरी नर्सिंग में क्या है, इट इज अ प्रोफेशन और प्रैक्टिस ऑफ असिस्टिंग वुमेन इन चाइल्ड बर्थ। क्या नर्सिंग ऑफिसर्स का काम है डिलीवरी कराना या फिर MTP कराना या फिर ये सब हम करते हैं, आप बताओ। नहीं, तो फिर जो ऑब्स्टेट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, वो क्या करेंगे, वही करते हैं, डिलीवरी कराना उनका काम है, MTP करना उनका काम है, बट उस टाइम पे असिस्ट करना, वुमेन को असिस्ट करना हमारा काम है। जितनी जल्दी आप अपना काम समझ लोगे आपके क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले आप अपने प्रोफेशन को समझेंगे, मिडवाइफरी नर्सिंग, क्योंकि हमारा टॉपिक मिडवाइफरी नर्सिंग है जिसमें हम ऑप्स एंड गायनी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिडवाइफरी नर्सिंग में क्या है, ये हमारा प्रोफेशन और प्रैक्टिस है ऑफ असिस्टिंग वुमेन इन चाइल्ड बर्थ। समझ में आ रहा है, असिस्टिंग वुमेन इन चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ में हो या कोई फीमेल ANC में हो, उस टाइम पे हम क्या करते हैं,
उसको असिस्ट करते हैं, समझ में आ गया, मिडवाइफरी नर्सिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मिडवाइफरी नर्सिंग, सॉरी, इसी में हम क्या पढ़ेंगे, अब ऑब्स्टेट्रिक्स को समझेंगे कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, इसकी नॉलेज भी, एक मिडवाइफरी नर्स को ऑप्स एंड गायनी की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, उसमें उसको क्या होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज किसकी होनी चाहिए, ऑप्स एंड गायनी की। तो ऑब्स्टेट्रिक क्या है, यहाँ पे हम किसकी स्टडी करते हैं, गायनी टॉपिक, गायनिकोलॉजी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गायनिकोलॉजी, गायनिकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, समझ में आ रहा है, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक मिडवाइफरी नर्स को पता होना चाहिए कि ऑप्स एंड गायनी की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, मींस गायनेकोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। तो हम गायनेकोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ऑब्स्टेट्रिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट क्लियर है, डिफरेंट कलर लीजिए, व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है। मिडवाइफरी नर्सिंग में ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये हटा दो, ये नोट डाउन करते रहना साथ साथ, ओके। नेक्स्ट, अब एक वर्ड और आता है, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी का मीनिंग क्या है, जैसे गायनेकोलॉजी का मतलब क्या था, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, वैसे एंड्रोलॉजी का मतलब क्या है, जहां पे भी लॉजी लगा है मतलब क्या होगा, स्टडी होगा, ठीक है। हम आज बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिनको समझ में आ रहा है, ओके, जो नए हैं उनको प्लीज समझने दें, कमेंट्स ज्यादा ना करें, पढ़ने पे ध्यान दें, डाउट है तो जरूर करें, ठीक है। एंड्रोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पढ़ेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर क्लियर है। एंड्रोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, एंड्रोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बताए हैं, जो भी क्लास में बताया आप नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको बताया मिडवाइफरी नर्सिंग क्या होता है, सेकेंड मिडवाइफरी नर्सिंग क्या है, ये हमारा प्रोफेशन है, इट इज अ प्रोफेशन और प्रैक्टिस ऑफ असिस्टिंग वुमेन इन चाइल्ड बर्थ, ANC, जो हेल्प है, प्रेगनेंसी है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसमें असिस्ट करना क्या है, एक मिडवाइफरी नर्सिंग का काम है, ठीक है। उसको एडवाइस देना, उसको हेल्प टॉक देना, ये सारा क्या है, एक मिडवाइफरी नर्स का काम है। दूसरा मैंने बताया गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, एक मिडवाइफरी नर्स को गायनी और ऑप्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो गायनेकोलॉजी में हम क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स है तो उसकी स्टडी करते हैं। ऑप्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स, उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बताया था, जितने भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर है हम उसकी स्टडी करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक टर्म बताया आपको, एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और रिलेटेड डिसऑर्डर्स की, ठीक है। ये टर्म आपको याद रखना है, बाकी ऑप्स गायनी में एंड्रोलॉजी या मेल का इतना ज्यादा मतलब क्वेश्चंस नहीं आता, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस है 5% कभी 10% आ जाता है, ठीक है। 1-2% मतलब ऑप्स का 20% मान के चलो, तो उसमें से 2% कभी मेल का भी आ जाता है, ठीक है। एस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, समझ में आ रहा है, और स्टोर कहाँ पे होता है, मोटिलिटी कहाँ से अटेन करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो सब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्टडी करेंगे। समझ में आ गया। अब एंड्रोलॉजी हमने पढ़ लिया, अब कुछ बेसिक्स हैं, बेसिक्स चीजें आज डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिक्स ऑफ गायनेकोलॉजी,
बेसिक्स ऑफ ऑब्स एंड गाइन. अब आप सोचो कि इसमें बेसिक्स क्या है. आपको अगर बेसिक्स ही नहीं पता होगा तो क्या हम उसके आगे की चीजें पढ़ सकते हैं, डिजीज? या फिर आपको अगर मैं बोलूंगी पेशेंट को ट्रिप्लॉइडी ट्राइजोमल कोई डिसऑर्डर्स हो रहा है या फिर गाइनी में, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा. मैं बोलूंगी उसके गोनैड्स में ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है. तो ये बेसिक चीजें में हम इस पॉइंट्स को कवर करते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या है. ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे बेसिक्स ऑफ ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी, मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी. इसके अंदर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था एंड्रोलॉजी का और यहां पे गायनेकोलॉजी, ठीक है, एंड्रोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी. बेसिक्स ऑफ ऑप्स एंड गायनी में हम एंड्रो एंड गाइनो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम इसको क्या करें, कंपेयर करें, तो कौन कौन सी चीजें जो होंगी वो यहाँ पे होती हैं. सबसे पहला क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. और जब वहां पे, यहां तो आपको याद रहता है, जब वहां पे क्या होता है, ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, सारे एकदम भाई भाई वाले ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, तो फिर उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हमें पता ही नहीं लगता, यार पढ़ा तो था लेकिन कंफ्यूजन, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. अगर आपने जो चीज पढ़ी है ना उस पर 100% श्योर रहो. ठीक है, इसलिए मैंने पहले वर्ड बोला था बिलीव रखो कि जो हमने पढ़ा है, जो चीज है वो सही है. समझ में आ रहा है? अगर बिलीव रहेगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अगर मैं मेल में बात, एंड्रोलॉजी है इसका मतलब किससे रिलेटेड है, मेल से रिलेटेड है, और गायनेकोलॉजी है या ऑप्स है, तो यहाँ पे गायनेकोलॉजी का मतलब मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल से रिलेटेड है. समझ में आ रहा है? अगर दोनों में हम कंपेयर करें और बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, टेस्टिस. और अगर हम फीमेल के अंदर बात करें तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, ओवरी. ये बहुत ही बेसिक्स है, क्या आपको ये पता था? यस, ओके, ठीक है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर टेस्टिस है और ओवरी है. यहीं पे क्वेश्चन पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी मैं आज क्लास होने के बाद आपको, वैसे तो मैं 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ क्योंकि 3 आवर्स की क्लास थी, मैंने सोचा 2 घंटे क्लास लेंगे और 1 घंटे हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. जो भी पढ़ा होगा उसी के बेसिस पे मैंने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन प्रिपेयर किया हुआ है. ठीक है, देखते हैं अगर टाइम मिला तो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और क्लास के साथ साथ भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्योंकि आपको क्या खेल समझना है, एमसीक्यू के खेल को समझना है. अगर आपने इस खेल को समझ लिया, समझ में आ रहा है, एमसीक्यू के खेल को समझ लिया, समझ में आ रहा है, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से निकाल सकते हैं. ये क्वेश्चन, अरे हमें पता है कहाँ कंफ्यूज करना चाह रहा है, उसके लिए आपको क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी. किसकी? एमसीक्यू की, क्योंकि खेल ही एमसीक्यू का है. और भाई एमसीक्यू करेंगे कैसे जब हमारा टॉपिक ही क्लियर नहीं है, क्योंकि दत्ता उठाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, कहीं और पढ़ेंगे. इतना सारा सब कुछ हमें पढ़ना नहीं है, मैं सिलेक्टेड चीजें बता रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे. अब आते हैं अपने पॉइंट पे. मैंने बोला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और ओवरी मेल और फीमेल के अंदर है. यहीं पे क्वेश्चन अगर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल गोनैड्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल गोनैड्स. मैंने टर्म क्या लिखा है, देखो मैं एक एक सिलेक्टेड टर्म्स लिख रही हूँ यहाँ पे. मैंने क्या लिखा है, गोनैड्स, मतलब ये वर्ड, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. गोनैड्स होते क्या है? यस, कमेंट करेंगे अभी थोड़ा सा. गोनैड्स के बारे में सबको पता है? जिनको पता है वो हाथ ऐसे करेंगे. एक्टिव हो या सो गए, सब एक्टिव है ना. जर्म सेल्स, ये कौन बोल रहा है, टेस्टिस एंड ओवरी. ओके ओके, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, आप आंसर क्या कर रहे हो. मैंने पूछा है आपको गोनैड्स का मीनिंग पता है, मुझे एक वर्ड में आंसर करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोनैड्स. मैं बीच में इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, ऐसे लेके देखते रहते हो, नहीं बहुत अच्छी क्लास, एकदम अच्छा चल रहा है, और एकदम लेते ही मुंह पे सो जाते हो, पता ही नहीं चलता. टेस्टिस ओवरी क्यों बोल रहे हो, ओबम क्यों बोल रहे हो. मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि मेल का कौन सा है, फीमेल का कौन सा है. सेक्स हार्मोन, प्राइमरी सेक्स हार्मोन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यही तो बात है कि आप क्वेश्चन ही नहीं समझते. देखो मैंने अभी एक वर्ड बोला लेकिन आपने किसी ने भी क्वेश्चन को नहीं पकड़ा है. सेक्स ग्लैंड दैट प्रोड्यूस हार्मोन, यस, वेयर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम. ओके गुड, दिव्या
हाँ सही है, वेरी गुड आरुषि, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ अब पकड़ा है ना आपने क्वेश्चन, आपको बिल्कुल पिंच करना पड़ता है, ये तो मैंने लिखा ही है, आप ना मेरा बस देख के बता रहे हो। प्राइमरी, आधे से ज्यादा लोगों का ऑप्शन आंसर क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अरे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो मैंने लिख ही दिया, यही चीज मैं थोड़ी आपसे पूछूंगी। मैंने पूछा है गोनैड्स का मीनिंग क्या है, अगर मैं पूछूं गोनैड्स का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोनैड्स, आप आंसर दे रहे हो टेस्टिस ओवरी, ठीक है ये तो है ही क्योंकि इसी को मैंने यहाँ पे बताया, लेकिन गोनैड्स क्या होते हैं, गोनैड्स गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे लोगों ने सही भी आंसर दिया है, ठीक है। गोनैड्स क्या करते हैं, गैमेट्स को, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स क्या है कि, जैसे कि स्पर्म ओवम लिख रहे थे वो गैमेट्स हैं, लेकिन अगर गोनैड्स की बात करूं तो वो टेस्टिस और ओवरी ही है। समझ में आ रहा है, क्लियर है या कंफ्यूजिंग है? हाँ वेरी गुड सलोनी शर्मा, नाम ले रहे हैं जिससे आपको लगे कि हाँ चल रहा है सही, हमें भी देख रहे हैं, नहीं तो पता चले हम तो ऐसे ही हैं लाइव क्लास में, ऐसे ही चल रहा है, पढ़ा गए हम चले गए, पता ही नहीं चला क्या था, हमें तो देखा ही नहीं। सबका, सबको देख रही हूँ जो कमेंट्स कर रहे हैं, इसका मतलब वो जग रहे हैं, बाकी सबका नाम कुछ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, गोनैड्स, अब यहाँ पे मीनिंग लिख लेंगे, गोनैड्स का मतलब क्या है, गोनैड्स, एक तो ये गोनैड्स प्रोड्यूस गैमेट, बस आप लिख लो, बाकी जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो अच्छे से नोट्स बना लेना। गोनैड्स क्या करते हैं, गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, ये आप याद रखना। गोनैड्स का काम क्या है, गोनैड्स इज, गोनैड्स प्रोड्यूस गैमेट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होगा जो आप पहले आंसर दे रहे थे कि मेल गोनैड्स कौन सा होगा, यहाँ क्वेश्चन आपके पास क्या आ गया, मेल गोनैड्स। अब मुझे बताओ मेल गोनैड्स कौन सा है, गोनैड्स का मीनिंग पता चल गया, जो गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, जो मतलब जो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा उस मेल गोनैड्स का नाम क्या है, आपके सामने इधर लिखा, उसको भी हम क्या बोलेंगे, टेस्टिस। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल एंड इज कॉल्ड मेल गोनैड्स, क्लियर है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल इज टेस्टिस एंड टेस्टिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेल गोनैड्स, क्लियर। मेल गोनैड्स टेस्टिस, वैसे ही सेम अगर हम फीमेल में जाएं तो फीमेल गोनैड्स कौन सा होगा, फीमेल गोनैड्स कौन सा होगा, ओवरी। मींस अगर क्वेश्चन आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल इज ओवरी एंड ओवरी इज आल्सो कॉल्ड फीमेल गोनैड्स, ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, फीमेल गोनैड्स बोलते हैं, क्लियर है। अब मैंने बोला गोनैड्स क्या करते हैं, गोनैड्स क्या करते हैं, गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, गोनैड्स क्या करते हैं, गोनैड्स प्रोड्यूस गैमेट। अब हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया था, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे गैमेट, मतलब यहां मेल था और यहां पे फीमेल, तो मुझे बताओ मेल गैमेट कौन सा होगा, मींस टेस्टिस से क्या रिलीज होगा, टेस्टिस कौन से गैमेट को रिलीज करेगा, तो मेल के अंदर क्या होता है, गैमेट स्पर्म, और फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो क्या होता है, ओवा होता है या फिर ओवम होता है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ओवा होगा या ओवम होगा फीमेल के अंदर, कौन सा, गैमेट, मींस फीमेल गैमेट, और यहाँ पे ये। अब हम इस स्पर्म और ओवम जो गैमेट है इसकी क्या बात करते हैं, लाइफ स्पैन की बात करते हैं, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन की बात करेंगे। ये बिल्कुल क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, एम्स के, पीजीआई के, बहुत सारे एग्जाम्स में आया, प्लीज इसको ध्यान देना, ठीक है। स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना होता है, 48 to 72 hours, 48 टू 72 आवर्स। एंड अगर हम ओवम की बात करें, ओवा की बात करें, तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 12 टू 24 आवर्स। अब वो एग्जामिनर क्या करता है कि बच्चे ने ऐसे रट रखा है 48 से 72 घंटे और 12 से 24 घंटे, समझ में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, आपको डेज में दे देगा। अब मुझे बताओ अगर डेज में देगा तो डेज में हम क्या करेंगे, ये कितने दिन हो गए, 2 से 3 दिन, और ये कितना हो गया, हाफ टू वन डे। तो अगर ये डे में आए, दिन में आए, घंटे में आए, ये तो इतना निकाल सकते, इतना कैलकुलेशन तो आता है, यस।
गुड। और एक कंफ्यूजन और रहता है, जैसा कि आप लिख रहे हो एक एग्जाम में, अगर मान लो 24 भी आ गया, 48 भी आ गया और 72 भी आ गया, समझ में आ गया, 24, 48, 72 तीनों आ गया और पूछ लिया कि स्पर्म का लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है, तो आप बोलोगे मैम ने तो 48 भी पढ़ाया था और 72 भी पढ़ाया था, 48 और 72 दोनों ही पढ़ा रखा है, ऑप्शन में तो एक ही चूज करना है। तो याद रखना इस केस में, वेरी गुड वेरी गुड, ट्विंकल, सारिका, नीतू, आरुषि सब ने सही बोला है। हमेशा क्या करना है, मैक्सिमम वाले को करेक्ट करना है, वेरी गुड। हमेशा आपको मैक्सिमम वाला आंसर याद रखना है। अगर ऑप्शन में 12 और 24 दोनों ही आते हैं तो आपका आंसर क्या जाएगा, मैक्सिमम वाला आंसर जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, लाइफ स्पैन की बात हो गई, ये बार बार कैसे पीछे जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन की। नेक्स्ट, लाइफ स्पैन तो बात कर लिया, लेकिन स्पर्म आता कहां से है, स्पर्म के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, तो यहां पे हम बात करेंगे फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड द फॉर्मेशन ऑफ ओवम और ओवा बाय द ओवरी इज कॉल्ड एज ओजेनेसिस। मींस यहां पे मैंने फॉर्मेशन की बात की, क्लियर है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके इंट्रोडक्शन में मैंने बनवाया है, ये ही आपके ओबीजीएन गायनी का क्या है, बेसिक्स है। वेरी गुड सलोनी शर्मा, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, ओजेनेसिस। आप लोग इतने अच्छे से कमेंट कर रहे हो, बता रहे हो, मुझे लग ही नहीं रहा कि आप मेरे सामने नहीं हो, ऐसा लग रहा है सब सामने ही बैठे हैं, समझ में आ रहा है, और ऐसा और लग रहा है कि सब एकदम पास में ही है। क्लियर है? पहले ऐसा लग रहा था यार मैं क्लास लेने जा रही हूँ, कितना बोरिंग होगा, एकदम एक कैमरा है उसमें बोले जा रहे हैं, कोई है ही नहीं, समझ में आ रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा, आप अच्छे से रिप्लाई कर रहे हो, जगे हुए हो, इसका मतलब आपको सब समझ में आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, अब पढ़ाने में भी थोड़ा मजा आ रहा है। हाँ, हमें भी सामने ही लग रहे हो, यही चाहिए कि मैं एकदम सामने आपके दिमाग में ऐसे डाल दूं कि बस एग्जाम में एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाए, समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन सोना मत, बस ये है, चाहे तो अपना चाय कॉफी, अब तो इतना अच्छा है कि ठंड में आपको घर से बाहर ही नहीं निकलना पड़ेगा, ना मेट्रो के धक्के खाने हैं, पढ़ने में भी मजा आ रहा है। वेरी गुड आर्यन वर्मा, थैंक यू थैंक यू। हाँ, अगर आराम से रजाई में बैठो, यहाँ पकोड़े रख लो, चाय रख लो, क्लास नींद भी नहीं आएगी, और नोट्स बनाते जाओ, डाउट है पूछते जाओ, टीचर आपके सामने खड़ा है, कोई भी टेंशन मत लो, क्लास के बाद या कैसे भी अगर आपको लगता है बहुत सारे डाउट्स आ गए, तो नर्सिंग एक्सपर्ट कोचिंग पे हम अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पे आप कभी भी आके अपने सारे डाउट्स को फेस टू फेस क्लियर कर सकते हो, यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, बाद में आके कॉल करके क्लियर कर सकते हो, बहुत सारे आप तो ऑनलाइन हो गया, तो मुझे तो ये सब अभी चलाना भी इतना नहीं आ रहा, फर्स्ट क्लास है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो सब सीख जाएंगे। ओके ओके, कोई भी नहीं सो रहा है, चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम के प्रोडक्शन को, उसके फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ओजेनेसिस। हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इसका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, जो नाम, जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, जो वर्ड्स आपके सामने हैं, इस वर्ड्स को आप इतने अच्छे से जान जाओगे ना, बोलोगे इसके क्वेश्चन तो मेरे सामने लेके आओ, मुझे करना, इतना आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट जो है जगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कैसे करोगे, समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट क्या करना है, आपको खुद जगाना है, स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को होने में टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, समझ में आ रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगता है, तो यहां पे हम लिखेंगे टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन आप लिखोगे 72-74 डेज, और यहां पे हम लिखेंगे 6-8 डेज। ये सब मैं बताऊंगी कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीजें आप समझ में आ जाएगा आपको। टाइम ड्यूरेशन 70-74 मीन 72-74 डेज, 6-8 डेज मीन स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को होने में 72-74 डेज लगता है, और ओजेनेसिस के प्रोसेस को होने में 6-8 डेज का टाइम जो है वो लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि आप बताओ इसमें से मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है और फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, ओबीजी ऑप्स एंड गाइनी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हार्मोन्स का है, वो हार्मोन्स भी अभी हम करने वाले हैं,
ओके ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे हॉर्मोन्स। मैं यहां हॉर्मोन्स लिख रही हूं, आप यहां पे क्या लिखेंगे? आप यहां पे लिखोगे हॉर्मोन्स है मींस मेल सेक्स हॉर्मोन कौन सा है और फीमेल सेक्स हॉर्मोन कौन सा है। तो मुझे बताओ मेल सेक्स हॉर्मोन, वेरी गुड अभिलाष सलोनी, वेरी गुड। तो यहां पे हॉर्मोन्स में मेल के अंदर कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन। एंड दिस टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द लीडिंग सेल्स। ये किससे सिक्रीट होता है? लीडिंग सेल से। समझ में आ रहा है? दिस टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द लीडिंग सेल्स। टेस्टोस्टेरोन नहीं है, एंड्रोजन्स भी कर सकते हो, जो मेल सेक्स हार्मोन है। मेनली आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये बेसिक्स में है, बेसिक्स हमेशा नहीं पढ़ाई जाएंगी, क्लास जब हाई लेवल पे स्टार्ट हो जाएंगी, जो आगे बढ़ जाएंगी तब हम ये चीज़ें नहीं सीख सकते, वो फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्टरी क्लास में ही हम बेसिक चीज़ों को सीखते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन इज मेल सेक्स हार्मोन एंड फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? वेरी गुड। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं, दोनों में से है, दोनों फीमेल के अंदर, लेकिन अगर आपको उसमें से एक ही ऑप्शन में आएगा, ईस्ट्रोजन आएगा, प्रोजेस्टेरोन आएगा, FSH आएगा, LH आएगा, तो सेलेक्ट क्या करना है? एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन समझ में आ गया। हॉर्मोन्स भी हमने कर लिया कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल सेक्स हॉर्मोन है, अगर एक सेलेक्ट करना है, और ईस्ट्रोजन जो है वो क्या है? फीमेल सेक्स हॉर्मोन है। नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, ओके अब नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर ऊपर लिखेंगे। समझ में आ रहा है? नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो? एक बार सब बताएंगे कितने लोग नोट्स बना रहे हैं। नीचे कम दिखाई दे रहा है, ठीक है नीचे नहीं लिखेंगे। नोट्स सब बना रहे हैं? यस मैम, यस मैम, ओके ओके ओके, बन रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो सामने हो नहीं कि मैं देखूंगी कौन लिख रहा है, कौन ऐसे सुन रहा है। कभी क्लास चलती थी ना, ऐसे सुन रहे थे कि मजा आ रहा है सुनने में। अरे सुनने में मजा आ रहा है तो लिखोगे कब? साथ साथ दोनों काम करना है। वेरी गुड, ठीक है। लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रीट होता है? क्वेश्चन मैंने देखा था, अभी सब समझ में आ जाएगा, सब बताएंगे ईस्ट्रोजन कहाँ से होता है। सब ओबरी से सिक्रीट होता है, ओबरी के अंदर कहाँ से होता है उसके लिए तो ओबरी को खोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तभी ओबरी को खोल के भी देखेंगे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट होता है। अभी आपको इतना याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल सेक्स हॉर्मोन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल सेक्स हॉर्मोन। इतना आपका क्लियर हो गया, बेसिक चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ओके टेबल में जितनी चीजें लिखी हुई थी वो समझ में आ गया, एक पॉइंट और रह गया, वो भी ऐड कर लेंगे, प्यूबर्टी से रिलेटेड। प्यूबर्टी प्यूबर्टी, अब क्वेश्चन प्यूबर्टी में आएगा कि मेल और फीमेल में प्यूबर्टी कब आती है। इससे एबनॉर्मैलिटीज भी बहुत सारी होती है, अगर किसी को पहले प्यूबर्टी आ गया या नहीं आया तो फिर उससे क्या प्रॉब्लम होगा, या बाद में आएगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, तो वो चीज़ें हम तो आगे डिस्कस करेंगे गायनेकोलॉजी के अंदर। लेकिन अभी बेसिक्स में आपको पता होना चाहिए कि प्यूबर्टी एज अगर पूछ ले तो प्यूबर्टी का एज, यहाँ हम मेल लिख रहे थे और यहाँ हम फीमेल लिख रहे थे, तो मेल के अंदर कितना होगा? पहले प्यूबर्टी किसकी आती है, फीमेल की आती है या मेल? मैच्योर पहले कौन होता है, फीमेल या मेल? यस फीमेल जो है वो इंटेलिजेंट होगी, क्यों? पहले मेल से पहले इंटेलिजेंट कौन हो जाएगी? फीमेल। मतलब यहां पे जो टाइम होगा वो कितना होगा? 10 to 16 years। समझ में आ रहा है? और जब मैच्योरिटी, उसकी प्यूबर्टी की बात करें तो प्यूबर्टी बॉयज में 12 इयर्स में आता है, 12 to 17 or 18 years। क्लियर है? प्यूबर्टी एज क्लियर हो गया मेल के अंदर 12 टू 17 इयर्स में और फीमेल के अंदर 10 टू 16 इयर्स में। देखो टाइप करने में कितना मजा आ रहा है, सबने एक लाइन से फीमेल टाइप करके रख दिया है। बस 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 अपने इमोशंस को काबू में रखना है, क्लियर है? चलो ठीक है। प्यूबर्टी एज जो है मेल के अंदर 12 टू 17 इयर्स, फीमेल के अंदर 10 टू 16 इयर्स। अब ये आपका प्यूबर्टी का पॉइंट हो गया, इसी में क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या है? अगर इसी को क्वेश्चन बनाना चाहे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं, आया भी हुआ है क्वेश्चन, वो बताएंगे कैसे। प्यूबर्टी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स। मैंने, अगर आप लिखना चाहो तो प्लीज लिख सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ
डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ रहा है? प्यूबर्टी का मीनिंग मैंने बता दिया. प्यूबर्टी का मीनिंग क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. प्यूबर्टी का एज ये है. अब मैंने अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी. दोनों के अंदर, ना सिर्फ फीमेल के अंदर, मेल के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या है. फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी मेल के अंदर क्या होता है? सबसे पहले गोनैड्स का डेवलपमेंट होता है. मैंने बोला था ना, टर्म समझ लो मैम. ज्यादा ऊपर भी नहीं दिख रहा, ज्यादा नीचे भी नहीं दिख रहा. ओके. ये कौन लिख रहा है? प्यूबिक हेयर. मैम ऊपर भी नहीं दिख रहा. ठीक है, ऊपर नहीं लिखेंगे. डेवलपमेंट ऑफ, वेरी गुड. गरिमा, वेरी गुड. सलोनी मेल में, गुड. सलोनी शर्मा, वेरी गुड. सलोनी जी का सारा रिप्लाई अच्छा आ रहा है. पहले क्लास ली हुई है आपने? डेवलपमेंट ऑफ ब्रीथ बर्ड्स इन फीमेल. ये क्या लिखा है? ब्रीथ बर्ड्स. अरे क्या लिख रहे हो यार, ये ब्रीद का मतलब क्या हो गया? समझ में आ रहा है? कौन? अनामिका यादव. हाँ समझ गए, आप ब्रेस्ट बर्ड्स लिखना चाहते हैं, बट वो ब्रेस्ट का क्या बन गया? देखो, एक वर्ड चेंज करने से ब्रीद बन गया. चलो अब ज्यादा बात में नहीं जाएंगे, यहाँ पे आएंगे. फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी मेल के अंदर क्या होता है? गोनैड्स का डेवलपमेंट. और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको गोनैड्स का मीनिंग बताया था. गोनैड्स वो होते हैं जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं. गोनैड्स वो होते हैं जो मेल और फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं. हॉर्मोन्स नहीं बोलेंगे, सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं. समझ में आ रहा है? फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज गोनेडार्की. मेल के अंदर गोनेडार्की. उल्टा मत कर लेना, अनर्थ हो जाएगा. समझ में आ रहा है? उल्टा कर दोगे, अनर्थ हो जाएगा. फीमेल के अंदर गोनेडार्की करके बैठे. यहां मेल लिखा है. मेल में फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है? गोनेडार्की. और फीमेल के अंदर फर्स्ट मींस फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, फर्स्ट सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट किस चीज का होता है? तो यहां पे हम क्या लिखते हैं? थैलार्की. अब इन दोनों का मीनिंग भी पता होना चाहिए. यहां पे गोनेडार्की लिखा है, तो गोनेडार्की से आपको क्लियर होगा गोनैड्स. आर्की, गोनेडार्की का मतलब क्या हो गया? डेवलपमेंट ऑफ गोनैड्स. डेवलपमेंट ऑफ गोनैड्स. एंड थैलार्की का मीनिंग यहां पे क्या हो गया? थैलार्की का मतलब क्या हो गया? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट. उन्होंने ब्रेस्ट लिखते लिखते क्या लिख दिया? ब्रीद. लेकिन वो क्या था? ब्रेस्ट था. अब इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, ये गिर रहा है. समझ में आ गया? तो ये थैलार्की क्या हो गया? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट. और गोनेडार्की क्या हो गया? डेवलपमेंट ऑफ गोनैड्स. ये क्या है? इंपॉर्टेंट बहुत है. फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन मेल एंड फीमेल. क्या डाउट क्या है प्रीति चरण? मैम गोनैड टू प्राइमरी में ही बन गया है. प्राइमरी में? प्राइमरी क्या? प्राइमरी कहाँ है? मैं कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी कर रहे हो? मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, मैं उसका आंसर दे रही हूं. नहीं, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा. आप दूसरे तरीके से पूछ सकते हो. मैम गोनैड तो प्राइमरी में ही बन गए हैं ना. प्राइमरी और, अरे वो मैंने आपको गोनैड्स बताया था कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. यहां हम प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं, आप कंफ्यूज गलत हो रहे हो. मैंने बोला था, ये मैंने बोला नहीं कि बनना होता तो है, वो तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही हो जाता है. अब क्या बर्ड्स नहीं होते? ब्रेस्ट बर्ड्स भी छोटे साइज में, लेकिन मेल और फीमेल दोनों में होते हैं. लेकिन उसमें डेवलपमेंट होना, यहां देखो क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलप होने में फर्स्ट साइन क्या है? आप समझने की कोशिश करो प्रीति चरण. आपका क्वेश्चन, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैंने वहां लिखा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो क्या है. आपका यही क्वेश्चन है शायद. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो क्या है? गोनैड्स में टेस्टिस और ओवरी है. और मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन भी यही है. डेवलपमेंट मतलब होना, वो बना तो है तो, लेकिन उसमें डेवलपमेंट. इतना सा थोड़ी ही रहेगा ब्रेस्ट, इतना सा है तो बड़ा ब्रेस्ट बड़ा भी तो होगा ना.
या उतना ही रहेगा, तो उसमें डेवलपमेंट होना कब से स्टार्ट होगा? आपको क्लियर है या नहीं? हाँ ठीक है, आपके अलग ही क्वेश्चन आ रहे हैं बैठे बैठे। बाय बर्थ भी ये सारी चीजें हम मैच्योर बेबी में चेक करते हैं सारी का। हाँ जी वही तो मैंने बोला, अभी तो आप नॉर्मल चीजें पढ़ रहे हो, एबनॉर्मल भी होता है, कोई बच्चा पैदा होता है उसको तब भी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होता रहता है, तो वो क्या है, वो चीजें भी हम देखेंगे, वो सारी जो है एबनॉर्मैलिटी के अंदर आता है। मैटरनल हार्मोन का इन्फ्लुएंस हो गया तो बच्चे में क्या हो जाएगा, बच्चा पैदा होते ही फीमेल बेबी उसमें से उसके वजाइना से क्या है ब्लीडिंग होगा, सारी चीजें होती हैं। अरे भगवान ने हाथ पैर सब कुछ बना के ही तो भेजेंगे या बोलेंगे नहीं जाओ दुनिया में और फिर अपने आप ही बनवाते रहो? सब कुछ बना बनाया आता है, लेकिन बच्चा ग्रो करता है धीरे धीरे, डेवलप होता है। सारिका गौतम समझ में आ गया? यस मैम। चलो ठीक है, धीरे धीरे सब होगा। हाँ शांत रहो, एकदम से कूदने की कोशिश मत करो, सब कुछ आएगा। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी गोनेडार्की एंड थैलार्की, डेवलपमेंट ऑफ गोनेड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये इतना क्लियर हो गया। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो मैं टेबल बता रही थी जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही थी, वो सारी ये चीजें हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे और डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया प्यूबर्टी का एज समझ में आ गया, प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन मेल और फीमेल के अंदर क्या होता है वो समझ में आ गया। नेक्स्ट एक स्लाइड लेते हैं, प्यूबर्टी देखना है तो प्यूबर्टी को थोड़ा सा और देख लेते हैं। यस अब हम यहाँ पे ऑप्स में फीमेल की बात करते हैं। फीमेल के अंदर प्यूबर्टी के 5 साइंस को डिस्कस करेंगे और इसको लर्न बाय हर्ट कहते हैं ना, अच्छे से याद कर लेना। अकॉर्डिंग टू विथ किसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, टेनर एंड मार्सल, अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मार्सल, समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग कौन से साइंटिस्ट, टेनर एंड मार्सल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया फीमेल के अंदर, या फीमेल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी के 5 साइंस बताए और आपको सामने देखना है, अभी कमेंट नहीं करना है, आपको ऐसे देख के ये सारी चीजें सारे पॉइंट्स क्या होंगे याद हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? 5 साइन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला साइन तो आपने पढ़ ही लिया, फर्स्ट साइन क्या होता है, तो फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है एंड स्कॉल्ड थैलार्की। सेकेंड क्या होता है, अब ब्रेस्ट के साइड में आएंगे तो क्या है, ब्रेस्ट के साइड में ही आपके क्या है एक्सिला है, तो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के बाद अगर आपसे पूछा जाए आफ्टर थैलार्की कौन सा साइन फीमेल के अंदर होता है, तो एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, एडिनार्की, एडिनार्की। नेक्स्ट है, अगर हम ब्रेस्ट डेवलपमेंट फर्स्ट साइन, एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट सेकेंड साइन, और उसी के नीचे आएंगे प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट, इसी के नीचे आएंगे प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट, ये ट्रायंगल बन गया, ये क्या है थर्ड साइन। 3 चीजें तो आपको सीरियल में ऐसे ही याद रखनी है, सबसे पहले फीमेल में क्या होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट होगा, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होगा, और उसके बाद अगर हम थर्ड के बाद फोर्थ बात करें, थर्ड पहले आप लिख लो। समझ में आ गया ना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट साइड में आएंगे, एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट उसके नीचे आएंगे, तो कौन सा होगा, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट, प्यूआरके, प्यूआरके, समझ में आ रहा है, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट प्यूआरके होगा, एंड फोर्थ उसके बाद उसकी क्या होगी, जब ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, ये ट्रायंगल कंप्लीट होने के बाद उसकी क्या होगी, हाइट इंक्रीज होगी, उसको ग्रोथ स्पोर्ट से क्वेश्चन में आ चुका है, इसको याद रखना है, ग्रोथ स्प्रूट या फिर इंक्रीज इन हाइट ऑफ फीमेल, इंक्रीज इन हाइट ऑफ फीमेल, सबसे पहले ब्रेस्ट वर्ड, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, उसके बाद एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट, उसके बाद प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट, उसके बाद हाइट इंक्रीज होगी, एंड नेक्स्ट वन लास्ट वन मीन्स जो हमने 5 साइन में, 4 साइन मैंने आपको बता दिया, उसके बाद फर्स्ट साइन आपको पता है, फर्स्ट साइन कौन सा था, थैलार्की, वो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया, और लास्ट जो 5वें नंबर पे होगा वो उसके बाद सबसे लास्ट 5वें नंबर पे क्या स्टार्ट होता है, ये सारी चीजें, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट जब हो जाता है फीमेल के अंदर, फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेनार्के, मेनार्के, मेनार्के इज कॉल्ड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एंड ये मेनार्के जो है वो 5th साइन है, तो ये 5 उंगलियों पे, 5 टिप्स पे आपको प्यूबर्टी के 5ों साइन को अच्छे से समझना है। 4 क्या है मैम, 4th है ग्रोथ,
ग्रोथ स्प्रूट मतलब इंक्रीज इन हाइट. पहला एक बार और ध्यान से इधर नहीं मेरे साइड देखेंगे, पूरा वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और मेरे साइड देखो. सबसे पहला साइन प्यूबर्टी का मैंने क्या बोला, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, उसी के साइड में आएंगे. सेकंड नंबर अपने आप याद हो जाएगा, एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट होगा, उसी के नीचे ट्रेंगल बनाओ अपने ऊपर, ऐसे करके ट्रेंगल बनाओ, नीचे आओगे क्या है, प्यूबिक हेयर है, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होगा, पीवार के हो जाएगा. और चौथे नंबर पर मैंने क्या बताया है, फोर्थ नंबर पर क्या है, जब ये ट्रेंगल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या होगी, हाइट इंक्रीज होगी. फीमेल की क्या होगी, हाइट इंक्रीज होगी, तो उसे ग्रोथ स्प्रूट बोला है. ग्रोथ में बढ़ाव मतलब जो ग्रोथ बढ़ता है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज, हाइट जो बढ़ती है ग्रोथ स्प्रूट है. तो ये फोर्थ नंबर का है. और फिफ्थ नंबर का क्या है, मिनार्के है. मींस मिनार्के का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल, वो फिफ्थ साइन है. तो ये पांचों आपको अच्छे से याद रखना है. ये कभी कभी अरेंज करने के लिए दे देते हैं या कभी कभी क्वेश्चन का तरीका सीखना है. मैंने आपको बोला था ये तो कहीं पे भी मिलेगा, बुक उठा के पढ़ोगे मिल जाएगा, सब चीजें होंगी, लेकिन टेक्निक नहीं सीख पाओगे. टेक्निक आप उसी से सीख सकते हो जिसने उस चीज को फेस किया हो. समझ में आ रहा है, मतलब उस चीज को लर्न करके माइंड में फिट किया हुआ है. तो आप यहां से इस जो भी क्लासेस ले रहे हो उस टीचर से आपको यही चीज सीखनी है कि इसने कौन सी टेक्निक से इसको अपना फिट किया हुआ है, जो कि कभी नहीं भूलेगा, एग्जाम में आए तो कर सकते. तो अभी आपको यही टेक्निक यहां से निकालनी है. मैंने आपको ट्रायंगल वाला तरीका बताया, मुझे इस तरह से याद है, आपको जिससे बेस्ट लगता है आप याद कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो मैंने सीखा हुआ आपको मैं बता रही हूं. समझ में आ रहा है. तो यहां पे क्या है, फर्स्ट पांच साइन बताए, ट्रेंगल बनाया, हाइट इंक्रीज किया और लास्ट में मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ. ये पांच साइन है. अब मैंने बोला था यहां से क्वेश्चन की टेक्निक देखो कैसे आती है. क्वेश्चन क्या आता है, एक तो पहला क्वेश्चन यहां पे आपका बन गया, यहां पे आपका पहला क्वेश्चन बन गया क्या, कि फर्स्ट साइन कौन सा होगा. सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिफोर पीवार के क्या होगा. क्वेश्चन में क्या आया, बहुत लंबा सा बना के दिया कि ये साइन है वो है, उसमें पीवार के से पहले क्या होगा, एडिनार के, या फिर एडिनार के बाद में क्या होगा, पीवार के. कभी कभी क्वेश्चन का ये आया हुआ है, आरयूएचएस के बहुत सारे एग्जाम्स में इस पैटर्न को यूज किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. और उसी एग्जाम्स में क्या दिया हुआ था, पोस्ट बीएससी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें क्या दिया हुआ था, उसके अंदर दिया हुआ था इसको अरेंज करने के लिए, ऊपर नीचे ऐसे आगे पीछे लिखा हुआ है, इसको सीरियल नंबर में अरेंज करना है, वो दिया हुआ था. तो प्लीज़ आप इसको याद रखेंगे, यही सीरियल वाइज में याद रखेंगे. मुझे लगता है कि आप आपको बेस्ट याद हो गया होगा. प्यूबर्टी का कोई नाम लेगा तो साइन तो आप ऐसे उठा के पटक दोगे उसके सामने. समझ में आ गया, चलो ठीक है, नेक्स्ट फेज लेते हैं. अब प्यूबर्टी का साइन पढ़ा था, प्यूबर्टी के टाइप्स को पढ़ लेते हैं. प्यूबर्टी टाइप, प्यूबर्टी को हम दो टाइप से देखते हैं. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, प्रीकॉइसिस प्यूबर्टी. वो तो साइन था कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट किस साइन से कैसे पता चलेगा, तो वो बताया था. अब यहाँ पे टाइप में देखेंगे, एक प्रीकॉइसिस प्यूबर्टी होता है, एक डिलेड प्यूबर्टी होता है. तो इसमें आपको यही समझना है कि कौन सा किस एज में होगा. तो नाम से ही जैसा पता चल रहा है, डिलेड है तो लेट होगा, प्रीकॉइसिस है तो पहले हो जाएगा. ओके, प्यूबर्टी का टाइप मैंने प्रीकॉइसिस और डिलेड बताया है. इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूं कि एज क्या है, प्यूबर्टी का एज क्या है, 10 to 16 ईयर्स. अगर किसी फीमेल में 10 साल से पहले ही, बिफोर 10 ईयर्स, बिफोर या फिर और एट 10 ईयर्स किसी फीमेल में प्यूबर्टी आ जाती है, प्रीकॉइसिस प्यूबर्टी का मतलब आता है किसी फीमेल को 8 साल से ही क्या हो गया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया. समझ में आ रही है, 10 साल में आके ही उसको हो गया, 10 साल से पहले पहले ही, या 10 साल पे होगा या 10 साल से पहले पहले ही उसका क्या हो जाएगा, प्यूबर्टी जो साइन एंड सिम्टम्स हमने पढ़ा है वो स्टार्ट हो जाएगा. तो उसको हम बोलते हैं प्रीकॉइसिस प्यूबर्टी. तो अगर आपसे पूछा जाए कोई बच्चा अभी छोटा है, 6-7 साल का, 8 साल का है, उसमें अभी सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट होने लग गए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज प्रीकॉइसिस प्यूबर्टी. मींस प्यूबर्टी सिम्टम्स स्टार्टेड बिफोर और एट 10 इयर्स. क्लियर है? यस. डिलेड प्यूबर्टी में क्या होता है, आफ्टर, अभी 10 से 16 साल का एक्चुअल टाइम है उसका प्यूबर्टी का, लेकिन उसकी प्यूबर्टी आफ्टर 16 इयर्स आ रही है.
आफ्टर 16 इयर्स किसी की प्यूबर्टी आ रही है, मींस 16 इयर्स एक्चुअल जो एवरेज होता है वो क्या होता है, 13-14 इयर्स होता है, 12 इयर्स 13 इयर्स 14 इयर्स इतने में प्यूबर्टी सब फीमेल की आ जाती है। लेकिन अगर किसी फीमेल की प्यूबर्टी 16 इयर्स हो गया और अभी तक नहीं आया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, या 16 इयर्स पे आ रहा है उसके बाद आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिलेड प्यूबर्टी। क्लियर है? तो एक पॉइंट प्यूबर्टी में ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलें, ये नोट डाउन कर लिया आपने, हाइट इंक्रीज टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद भी तो होती है, तो फिर लास्ट साइन मेनार्के क्यों? मतलब हाइट इंक्रीज मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद भी होती है तो फिर लास्ट साइन मेनार्के क्यों है? लास्ट साइन कहने का मतलब एक साइंटिस्ट से उन्होंने एक फीमेल की स्टडी की है, उसके अंदर उन्होंने 5 साइन बताए हैं। ऐसा नहीं है कि चौथे नंबर पे है तो उसके बाद उसकी हाइट इंक्रीज नहीं होगी। 10 साल जैसे किसी फीमेल को 13 साल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ गया, समझ में आ रहा है, 13 साल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ गया तो अब 13 साल के बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्प्रूट का मतलब होता है एकदम से, किसी के देखते बच्चा इतना सा रहता है एकदम से हाइट इंक्रीज, तो उस एज में एकदम से हाइट इंक्रीज होता है, उसके बाद भी होता रहता है। सारी चीजें क्लियर करेंगे, इतना परेशान मत हो। क्या है? थिलार्के, विच एज बिकॉज मेनार्के एट 10 ईयर्स देन थिलार्के, मेनार्के एट 10 ईयर्स देन थिलार्के। ये किसके लिए पूछ रहे हो किरण? किसके लिए पूछ रहे हो थिलार्के कौन से एज में होगा? मैंने बताया ना प्यूबर्टी का जो पीक एज है वो 13 ईयर्स है, मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पीक एज 13 ईयर्स है, तो 11 साल में हो सकता है उसको, 12 इयर्स में हो सकता है, या 13 इयर्स में भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? आप क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हो मेरे को? ठीक है, समझ में आ गया आपको चीजें। बाकी अभी मैं क्वेश्चंस भी दूंगी, क्वेश्चंस में यही सारे क्वेश्चन डिस्कस करना। अभी थोड़ी देर तो तसल्ली कर लो यार, थोड़ी देर पढ़ाने तो दे दो, इतने सारे डाउट्स, और सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। क्वेश्चन सेशन भी, क्वेश्चन इसीलिए मैंने 20 क्वेश्चन इसलिए बनाया है कि जो क्लास के जितने भी डाउट्स हैं वो उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। इस टाइम पे इतना ध्यान देना वो नहीं संभव नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो आप प्लीज एक बार ध्यान दो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्यूबर्टी क्लियर हो गया, अब हम आते हैं, ये बेसिक्स था। अब इसके अंदर गायनेकोलॉजी के बेसिस में थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे, क्रोमोजोम से रिलेटेड। क्रोमोजोम्स आपकी कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो इसके अंदर क्लियर नहीं होगा, चाहे आप कोई सी भी बुक उठाओ इससे एक्स्ट्रा ही आपको मिलेगा, चाहे वो एनक्लेक्स ले लो, चाहे बड़ी से बड़ी बुक ले लो आप नर्सिंग में, क्योंकि ये इतने सारे जगह का मटेरियल है ना कि आप मतलब बहुत अच्छा है। कहने का मतलब है आप यहाँ पे बने रहो हमारे साथ, आपको इतनी चीजें मिलेंगी कि आप सोचोगे अरे यार एग्जाम तो क्या, बड़े बड़े एनक्लेक्स तक आप निकाल दोगे। समझ में आ रहा है? बेस क्लियर होना चाहिए, बेस अच्छा मजबूत होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी है, ठीक है? वो तो मैं क्लास में बताती रहती हूँ, बुक्स पढ़ो, गाइड सॉल्व करो, वो सब चीजें करोगे। जड़ी बूटी, ये आर्यन वर्मा, ये जड़ी बूटी क्या कर रहे हो? ये सब जड़ी बूटी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ, ये आपको खुद ही अपने आप लिख के बनाना है। आप सोचोगे कि ये पूरा हमें पीडीएफ में मिल जाए हम कर लेंगे, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, कि मेरी राइटिंग तो वैसे इतनी गंदी है। अभी आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, लिख रहे हो, वो आपका बेस्ट मटेरियल, वही आपकी जड़ी बूटी है। समझ में आ गया? वही आपका क्या है, ब्रह्मास्त्र है, जो एग्जाम में छोड़ने में काम आएगा। अरे 20 तारीख को एग्जाम है, आज 1 तारीख है, अरे हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र रेडी है ना, बस एक बार रिवाइज ही तो करना है। तो वो मटेरियल, वो ब्रह्मास्त्र, वो जड़ी बूटी बनाना किसका काम है? वो आपका काम है, बताना देना हर जगह, हर चीज आपको मैं प्रोवाइड करूंगी, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो। ये सब्जेक्ट आपकी मुट्ठी में होगा, थोड़ा टाइम दे दो, अभी बेसिक हो रहा है, अभी धीरे धीरे सब आ जाएगा आपको। अभी क्रोमोसोम्स में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि अभी हम मेल जर्म सेल्स फीमेल जर्म सेल्स को स्टडी कर रहे हैं। अगर किसी को थोड़ा फास्ट लगे, कम लगे, ज़्यादा लगे, तो आप बता सकते हो। सब कुछ सही चल रहा है? ऐसा तो नहीं है बहुत फास्ट फास्ट भागे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बीच में गैप दे रही हूँ, आपसे पूछ भी रही हूँ, आपको कोई भी चीज़ सही स्पीड है मैम। ओके ओके, ठीक है, ओके परफेक्ट, बस 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 अब बंद कर दो। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब क्रोमोसोम्स में देखते हैं, और बात अभी हम उसी की करेंगे, क्या मेल और फीमेल, ज्यादा फोकस किस पे रहेगा? फीमेल पे, क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्स गाइनी पढ़ रहे हैं, मीन फीमेल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्रोमोसोम से कहने का मतलब है हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और इससे बेसिक और कुछ नहीं होगा, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स है कि हमारे बॉडी के सेल्स में अगर हम यहाँ पे लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, ये हमारा बॉडी सेल्स है। हमारी बॉडी की सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? यस, क्रोमोसोम्स के बारे में पता है आप 44, कौन बोल रहा है ये? गलत बोल रहे हो, एक भी आंसर सही नहीं आ रहा। 46, चलो ठीक है, 23 फिर, हाँ अब आए ना, हाँ हाँ ठीक है। तो हमारे बॉडी की सेल्स में हम कहते हैं 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये आपको याद रखना है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है वो प्लीज नोट डाउन कर लें, क्वेश्चंस का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से उठ के आ जाए। बॉडी सेल्स में अगर आपसे पूछे हमारी बॉडी की सेल्स में, आपने सबने बोला 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वेरी गुड, 46 क्रोमोसोम्स, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चंस पूछूं कि मेरे ब्लड सेल्स हैं या फिर हिपेटोसाइट सेल्स हैं, समझ में आ रहा है, उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? एग्जाम में आपको सबको पता है, लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ब्लड सेल्स? वेरी गुड, हाँ, क्योंकि मैंने आपके सामने ही क्वेश्चन लिख दिया है, समझ में, वेरी गुड, ठीक है। आपको जिन्होंने 44 बोला है वो तो गलत है, 22 पेयर बिल्कुल गलत है। आर्यन जी ठीक है, प्रीति ठीक है, 22 पेयर वाले गलत हैं, 46 वाले सेम नंबर होंगे, वेरी गुड मनीषा। अभी आप देखो मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, बॉडी सेल्स, मैंने तो आपके सामने ही आंसर लिखा है और यहीं से क्वेश्चन बना के पूछ रही हूँ, यही तो होता है, चीजें हमारे सामने ही होती है। मैंने बोला हमारी बॉडी की सेल्स में क्या होगा, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। हमारी बॉडी की सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 40, तो आपके सामने ही तो आंसर है, मैंने पूछा ब्लड सेल, तो क्या ब्लड सेल हमारी बॉडी से अलग है? क्या ब्लड सेल हमारी बॉडी से अलग है? नहीं है ना, तो आंसर क्या रहेगा? ये क्वेश्चंस जो बोलती ना शॉर्ट में लिख लिया करो, रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आएगा आपके। बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम, तो ब्लड सेल्स भी वही है, एग्जामिनर हिपेटोसाइट सेल दे देगा, किडनी का सेल दे देगा, लीवर दे देगा, लंग दे देगा, कहीं का भी दे देगा। ये मोनिक यादव क्या वीडियो ऑन करके क्या कर रहे हो ये? हाँ थोड़ा ध्यान दो क्लास में। ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स है, हिपेटोसाइट सेल्स है, कोई भी सेल्स बॉडी का पूछे, मतलब कहने का मतलब कौन सा घुमाए, कहीं से भी घुमाए, आंसर हमारे सामने है, कॉन्सेप्ट आपके सामने है, क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि हमारी बॉडी की जो सेल्स, कोई भी सेल्स होगी, 46 क्रोमोसोम एक्सेप्ट, ये पॉइंट भी याद रखना, एक्सेप्ट। अब ये एक्सेप्ट क्या है, 46 क्रोमोसोम्स होगा, और ये 46 एक्सेप्ट वाला अभी पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, एक्सेप्ट कहाँ पे आएगा ये बताऊंगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जो ये 46 क्रोमोसोम्स है, बॉडी की कोई भी सेल में 46 क्रोमोसोम्स होगा, और ये नेचर कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, लेकिन एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम्स। ये चीजें बहुत अच्छी हैं जो आपको याद रखना है, वेरी गुड, स्पर्म एंड ओवम। सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से हैं, आप पूछोगे अभी ये सेक्स क्रोमोसोम्स क्या हो गए, सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से हैं, एक्स वाई, एक्स एक्स, फीमेल और मेल में जो है स्पर्म है, ओवम है, वेरी गुड प्रिया, समझ में आ गया। बॉडी की जो सेल्स हैं, वो बॉडी की सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होती हैं, और 46 क्रोमोसोम्स में सारे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, एक्सेप्ट कौन से क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। इसको अगर मैं दूसरे तरीके में बताऊं तो आप क्या करोगे, ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें देखो 46 क्रोमोसोम्स में क्या होगा, 44 जो है वो ऑटोसोम्स हैं, 44 जो क्रोमोसोम्स है, मैं पेयर की बात नहीं कर रही हूं, पेयर होगा तो गलत हो जाएगा, 44 टोटल क्रोमोसोम्स 46 हैं, उसमें से 44 ऑटोसोम्स हैं, उसमें से 44 क्या है, ऑटोसोम्स है, एंड 2
टू सेक्स क्रोमोसोम्स, बच कितने गए, दो ही तो बच गए, तो वन पेयर मींस टू सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम्स में भी अगर हम बात करें मेल के अंदर कौन सा होगा और फीमेल के अंदर कौन सा, तो हम हमें पता है कि इन दो क्रोमोसोम में मेल के अंदर क्या होता है, एक्स वाई होता है और फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है। समझ में आ रहा है, ये क्लियर है आपको? 44 ऑटोसोम्स होते हैं और दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 में से दो सेक्स क्रोमोसोम्स में मेल एक्स वाई होता है और फीमेल क्या है, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है। इतना समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड। अब 44 ऑटोसोम्स के अंदर, अब ये तो आपको चीजें समझ में आ गई कि हमें पता है ये जो 44 ऑटोसोम्स हैं, 44 ऑटोसोम्स हैं, ये क्या है, ये होते हैं डिप्लॉइड। यही चीज तो मैंने अभी आपको बताया है, ये हमेशा क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। ये अभी मैं आपको डायग्राम दिखाने वाली हूं, आपकी नींद भी खुल जाएगी, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे पास इसका डायग्राम भी है जो कि आजकल एग्जाम्स में आने लग गए हैं, तो आपको ये चीजें क्रोमोसोम्स को अच्छे से समझना है, एम्स के एग्जाम्स को क्रैक करना है या फिर कोई भी एग्जाम्स है तो उसको अगर आपने टारगेट या अपना गोल बनाया हो इसके लिए बेसिक, ये चीजें तो आपको समझनी पड़ेगी। नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। डिप्लॉइड मीन्स भी अभी बता रहे हैं, 44 ऑटोसोम्स होते हैं और वो डिप्लॉइड्स होते हैं, ठीक है। और हैप्लॉइड देखो, ये जो लिखा हुआ है अगर दोनों पेयर में होगा, पेयर में होगा तो कैसा है, दो है तो डिप्लॉइड है, उसमें से सिंगल होगा। अभी मैं आपको डायग्राम के साथ डिप्लॉइड हैप्लॉइड क्लियर कर दूंगी। 44 ऑटोसोम्स ये कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये पॉइंट आप लिख लो, आप जैसे जैसे आगे अभी बताती जाऊंगी आपको क्लियर होता जाएगा। यस, डिप्लॉइड का मीन्स मैंने बता दिया, डिप्लॉइड का मीनिंग क्या होता है कि ये पेयर में होते हैं, ये क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होंगे। मीन्स बाय 44 मैंने ऑटोसोम्स लिखा तो हमेशा कितना, 22 पेयर्स होगा, तो ये क्रोमोसोम्स को हमेशा पेयर में लिखेंगे। समझ में आ रहा है, पेयर्स मतलब क्या है, ये डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड का मतलब होगा अलग अलग, एक्स है और वाई है, एक्स एक्स हमेशा पेयर, वाई वाई पेयर नहीं होगा, एक्स अलग वाई अलग होगा। समझ में आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। तो हमारी बॉडी की हेड से लेकर टो तक कोई भी सेल्स ले ले, वो सेल्स क्या होगा, डिप्लॉइड होगा एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम्स। तो हम इसकी टेस्टिंग को, अब मान लो ये आपको चीजें समझ में आ गई, पहले ये बताओ, ये दोबारा बताओ, यस समझ में आ गया, इतना चीज समझ में आ गया, मैंने ज्यादा बताया नहीं। हमारी बॉडी की कोई भी सेल लेंगे और उसको टेस्ट करेंगे तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, जिसमें से 44 को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, वो हमेशा डिप्लॉयड नेचर में होते हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम्स को अगर हम देखेंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, तभी तो मेल गैमिट आया और फीमेल गैमिट आया और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, जायगोट बना देते हैं। अगर वो पहले से ही डिप्लॉयड होते तो क्या वो दोनों मिल पाते, क्या वो जायगोट बना पाते, नहीं। भगवान ने सब कुछ सोच समझ के बनाया है, उसने सोचा कि अगर सेक्स क्रोमोसोम, भगवान जी ने सोचा अगर सेक्स क्रोमोसोम्स को डिप्लॉयड कर दिया तो फिर आगे कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए बॉडी में 44 ऑटोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं, वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड नेचर में होते हैं, 22 पेयर डिप्लॉयड नेचर में होते हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम्स हमेशा क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स, ये जो यहाँ डिप्लॉइड का मीनिंग जिन्होंने पूछा था, समझ में आ गया, ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि अगर हमारे बॉडी के क्रोमोसोम्स में कोई एबनॉर्मैलिटी आती है तो हमें पेशेंट को देख के कैसे पता, थोड़ा सा क्लिनिकल वे में सोचना है, क्योंकि एग्जाम भी क्या होता है, क्लिनिकल बेसिस पे आता है। आपके सामने कोई लड़की आई, कोई बॉय आए, कोई भी आया, तो आपको तुरंत देख के इसको कैसा लगता है कि इसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, लग तो मेल फीमेल रही है लेकिन इसमें कोई फेशियल हेयर्स भी हैं, कुछ और है, तो ये क्या है, मतलब मुझे लग रहा है कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी होगा। तो आपके सामने कोई भी पिक्चर्स, कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन रखा हो तो आप उसे देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हम नर्सिंग ऑफिसर में सब कुछ पता होना चाहिए कि उसमें कौन सी एबनॉर्मैलिटी। आजकल तो एक्सरे भी दे रहे हैं आपके एग्जाम में, एक्सरे देख के बताना है कि क्या करना है। वैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे देख के हमें कैसे पता करेंगे कि क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मैलिटी है या नहीं है, एंड
क्या आप मुझे बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स? ये आपका क्वेश्चन है. आप कितना टाइम में मुझे बताते हो, मैं अभी देख रही हूं. क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए. मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू आइडेंटिफाई द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. वेरी गुड प्रिया. सो प्रिया, हाँ वेरी गुड. उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोटाइपिंग. उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोटाइपिंग. नेक्स्ट में लिख देते हैं, मैंने पूछा था इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. इस आईओसी को कुछ और मत समझ लेना, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है. और उसका आंसर क्या जाएगा, कैरियोटाइपिंग. जिन्होंने भी बताया है बहुत अच्छा बताया है. अभी हम कैरियोटाइपिंग का इमेज भी देखेंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में. अब हम इसका इमेज डिस्कस करेंगे, कैरियोटाइपिंग क्या होता है. आपको समझ में आ गया, जैसे कि अभी आप सब मेरे सामने हो, एक इमेज मेरे सामने है कि आप जितने भी हो, कितने हो ये तो पता ही नहीं चल रहा. जो भी 123 124 जो भी लोग हैं वो मेरे सामने सबके सब हैं, ठीक है. तो मुझे एक पिक्चर्स मेरे सामने है कि ये है. वैसे ही जब हम कैरियोटाइपिंग करते हैं तो नाम भी नहीं, आपको उसके बारे में भी डीप नॉलेज होना. कैरियोटाइपिंग के अंदर क्या होता है, पूरे क्रोमोसोम्स का एक इमेज ले लिया जाता है और उस इमेज के अंदर देखते हैं कि इसके क्रोमोसोम्स में कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है. अब वो इमेज कैसे लेते हैं, ये टेस्ट कैसे करते हैं, आपने बता तो दिया दिस टेस्ट इज कॉल्ड कैरियोटाइपिंग, बट हाउ दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड, इस टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, इस कैरियोटाइपिंग को हम करते कैसे हैं. यस, किसी को पता है? हां जी बताओ, कैरियोटाइपिंग कैसे करते हैं. ये सीरियस क्या है? नो नो नो. यस नहीं नहीं एमनियोस कहाँ चले गए? अब मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है तो क्या उसका टेस्ट नहीं होगा? कीर्ति, नहीं बिल्कुल गलत. वेरी गुड गरिमा, ब्लड सैंपल, वेरी गुड. सिंपल टेस्ट, इतना कोई भारी भरकम नाम लग रहा है आपको, भारी साहब एकदम, इतना भारी नाम है कैरियोटाइपिंग, पता नहीं कैसे होता होगा. सिंपल, हम ब्लड सैंपल लेते हैं. मैंने अभी आपको इसीलिए बताया था कि बॉडी के कोई भी सेल को ले लो, वहां से क्रोमोसोम्स का पता चल जाएगा. अगर उसे क्रोमोसोम में कोई कोरियोनिक विलाय, आप तो बहुत ही डीप में चले गए. अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो क्या उसे क्रोमोसोम की स्टडी नहीं हो पाएगी? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप इधर ध्यान से सुनो, कैरियोटाइपिंग अभी मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में हेड टू टो तक जितने भी हैं वहां पे क्या है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. कोई भी सेल अगर हम देखेंगे वहां 46 क्रोमोसोम्स होंगे. एबनॉर्मैलिटी होगा तो कोई भी सेल लेंगे वहां पे एबनॉर्मैलिटी का पता चल जाएगा. तो सिंपल हम क्या करते हैं, उसके लिए अगर हम हिपेटोसाइट सेल्स में, लीवर में जाके बायोप्सी करके ले और फिर पता करें, बहुत डिफिकल्ट है. हम सिंपल एक ब्लड लेते हैं और ब्लड के सेल से ही पता लगा लेते हैं. ब्लड लेंगे, मैंने सैंपल में बोला है, कैरियोटाइपिंग में क्या लेते हैं, हम ब्लड लेते हैं वाइल के अंदर और इस ब्लड के सेल से ही पता चल जाता है, ब्लड के सेल से ही पता चल जाता है कि इसमें क्रोमोसोमल कोई एबनॉर्मैलिटी है या नहीं है. अब आपको गलत नहीं बोलना है, ब्लड सैंपल से ही कैरियोटाइपिंग का पता चल जाता है. अगर उसमें कोई एबनॉर्मैलिटी होगी तो उस एबनॉर्मैलिटी को हम क्या बोलते हैं, इफ एनी, मान लो नॉर्मल टेस्ट है, कैरियोटाइपिंग किया और कैरियो, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ी देर, बिल्कुल कोई कमेंट नहीं, अभी थोड़ी देर ध्यान दो, ये पॉइंट मैं लिख दूँ उसके बाद आप कमेंट करना. कैरियोटाइपिंग जो है, अगर नॉर्मल है, हमने ब्लड सैंपल लिया नॉर्मल है तो उसमें कितना क्रोमोसोम्स होगा, 46 क्रोमोसोम्स होगा. वेरी गुड, अगर हमने ब्लड सैंपल लिया और वो नॉर्मल है तो उसमें कितना क्रोमोसोम्स होगा, 46 क्रोमोसोम्स होगा. बट अगर वो 46 से ज्यादा हुआ या फिर 46 से कम हुआ, देन दिस टाइप ऑफ एबनॉर्मैलिटी इज कॉल्ड एज, कोई बता सकता है उसको क्या बोलते हैं? अब बताओ उसको हम क्या बोलते हैं, जीन स्टडी. अरे यार स्टडी थोड़ी, स्टडी तो स्टडी के अंदर मैं तो रिजल्ट बता रही हूं आपको, आप तो पता नहीं अलग ही जा रहे हो. गलत ट्रैक पे नहीं, एकदम सही ट्रैक पे जाना है. समझ में आ रहा है, एकदम सही ट्रैक पे जाना है, गलत नहीं जाना है आपको. क्रोमोसोमल डिफेक्ट क्या है ये,
हाँ महावीर सर आए एकदम फोटो दिखाते हुए, मैं यही सोचू फोटो कौन दिखा रहा है। गुड इवनिंग सर। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट है कैरियोटाइपिंग का। ये क्या है कैरियोटाइपिंग का? ये क्या है? रिजल्ट है। मींस अगर नॉर्मल है तो 46 क्रोमोसोम्स होगा, बट अगर वो 46 से ज्यादा है या 46 से कम है तो इस एबनॉर्मैलिटी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल। वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड। इस एबनॉर्मैलिटी को हम क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉयडी। एन्यूप्लॉयडी, बस नोट्स में लिखते जाओ, आपको ये धीरे धीरे सारी चीजें मैं बता दूंगी एन्यूप्लॉयडी। और ये टर्म मैं यूज करूंगी, मैं गायनेकोलॉजी पढ़ाऊंगी और वहां मैं डिफेक्ट बताऊंगी या कोई भी चीज आएगा क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन जब हम डिस्कस करते हैं तो आपको टर्म सुनते ही इतनी घबराहट नहीं होगी यार बहुत भारी क्वेश्चन है। नहीं, ये टर्म्स आप सब पढ़ के रखो, आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन अगर एग्जाम में कोई ऐसा टर्म दिख जाता है तो उससे हमें घबराहट नहीं होगी, क्योंकि घबराहट में इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। इसीलिए जब हम स्टडी करते हैं तो हम बेसिक सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं? अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैंने बोला है अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल स्टडी है, लेकिन अगर 46 से ज्यादा क्रोमोसोम या कम क्रोमोसोम हो जाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉयडी। और थोड़ा सा एन्यूप्लॉयडी में और जाएंगे। एन्यूप्लॉयडी क्लियर है? अब ये टर्म आएगा तो किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में जब मैं बताऊं तो आप एन्यूप्लॉयडी सुनते ही बता दो, यस या तो इसमें 46 से ज्यादा क्रोमोसोम होगा या फिर कम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एन्यूप्लॉयडी। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ये एन्यूप्लॉयडी है, एन्यूप्लॉयडी है, एन्यूप्लॉयडी में इसके टाइप्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एन्यूप्लॉयडी 46 हो से ज्यादा होगा तो हम क्या नाम देंगे, कम होगा तो हम क्या नाम देंगे। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं हैप्लॉयड नंबर। एन्यूप्लॉयडी में सबसे पहला होता है हैप्लॉयड नंबर, ठीक है? हाँ ठीक है, सही, आपको सही पता है। अभी देखो ट्रिप्लॉयड, मैंने पहले क्या लिखा? हैप्लॉयड नंबर होगा, ट्रिप्लॉयड नंबर होगा, या फिर ट्राइजोमी होगा, या फिर नेक्स्ट क्या होगा? मोनोजोमी होगा। नाम से ही सब क्लियर है, कोई भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप अच्छे से समझ लो तो आप टिप्स पे बता सकते हो, यस हमें क्रोमोसोमल स्टडी भी पता है, हमें पता है क्या होता है क्रोमोसोम्स में, 46 क्रोमोसोम्स हैं, और उसको अगर इमेजिंग करना हो, उसकी स्टडी करना हो, तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज कैरियोटाइपिंग। और कैरियोटाइपिंग के टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं? तो ब्लड का सैंपल लेके हम उसके टेस्ट को करते हैं। एक ब्लड सेल से भी हमें क्या पता चल जाएगा कि इस पूरे फीमेल या मेल जो भी हमारा पर्सन है, इसकी बॉडी में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है या नहीं है, सिर्फ हम इस टेस्ट से बता सकते हैं। और उस टेस्ट में अगर कोई एबनॉर्मैलिटी होती है तो उसको हम एन्यूप्लॉयडी बोलते हैं। एंड एन्यूप्लॉयडी के भी क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। तो एन्यूप्लॉयडी में अगर हैप्लॉयड नंबर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एन्यूप्लॉयडी हैप्लॉयड नंबर डिफेक्ट होगा। अब बोलोगे यार हैप्लॉयड नंबर कैसे? क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है हैप्लॉयड नंबर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ किस सेल में होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स में। तो हैप्लॉयड नंबर एक्सेप्ट, यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम्स। समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर हो गया कि एन्यूप्लॉयडी भी एक हैप्लॉयड नंबर डिफेक्ट है, एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम। हमारी बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा बॉडी का अगर कोई भी क्रोमोसोम्स हैप्लॉयड पाया जाता है, सिंगल पाया जाता है, तो उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉयड नंबर एन्यूप्लॉयडी डिफेक्ट। समझ में आ गया? सेक्स क्रोमोसोम्स तो सिंगल ही होता है, हैप्लॉयड ही होता है, तो वो तो कोई डिफेक्ट नहीं है। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है? Except sex chromosomes. Except sex chromosomes. If any body cells are haploid in number, then it's also called as defect. Next है triploidy. Triploidy में क्या होता है? यहाँ पे देखना है. Triploidy में क्या होता है? इस triploid को ही triploidy बोलते हैं. आप ये मत सोचना कि ये triploidy क्या बोल रहे हैं. ट्रिप्लॉयडी हम किसको बोलते हैं? ट्रिप्लॉयड को ही हम ट्रिप्लॉयडी बोलते हैं। क्लियर है? ट्रिप्लॉयड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिप्लॉयडी एन्यूप्लॉयडी डिफेक्ट। हाँ वेरी गुड, जिन्होंने भी बोला मनीषा गौतम, वेरी गुड। इसमें क्या होते हैं?
69 क्रोमोसोम्स। ट्रिप्लॉइडी के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। ट्रिप्लॉइडी के अंदर क्रोमोसोम की संख्या एक पर्सन के अंदर, एक पेशेंट के अंदर कितनी हो जाएगी? तो कोई भी पर्सन को अगर ट्रिप्लॉइड डिफेक्ट है तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर नॉर्मल 46 होता है, लेकिन यहाँ 46 ना होके कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। क्लियर है सबको? मनीषा जी, सुप्रिया जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ट्रिप्लॉइडी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इस तरह से तो आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे अगर साथ साथ आप रिप्लाई करते रहेंगे, अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। अभिलाष, ये पार्शियल हाइड्रेटिव फॉर्म, अरे नहीं नहीं अभी वहां नहीं जाना है, वो तो बहुत दूर है हम अभी उससे। हाँ, वहां नहीं जाना है, अभी तो सिर्फ हम क्रोमोसोम्स डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक चीजें कर रहे हैं कि अगर बेसिक हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन ये बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, और कम हो जाए तो क्या होगा। अगर ये कम रह जाए आधे नंबर में, जैसे डिप्लॉइड है और हैप्लॉइड रह जाए एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम, तो हैप्लॉइड नंबर एनडिप्लॉइड डिफेक्ट होगा। अगर क्रोमोसोम्स का नंबर 69 हो जाए तो वो ट्रिप्लॉइडी होगा। और ट्राइसोमी के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कितनी होती है ट्राइसोमी, तो सबको पता है। वेरी गुड, ट्राइसोमी वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्लाइनफेल्टर। सहजीना, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पे ट्राइसोमी क्या है, 47 क्रोमोसोम्स। मैंने बोला था ना कि अगर क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, एक बढ़ जाए, 46 से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे। तो 46 से ज्यादा हो गया, एक क्रोमोसोम्स क्या है यहाँ पे एक्स्ट्रा है, उसको हम क्या बोलते हैं, 40 ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है, दो पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं। मैंने बोला डिप्लॉइड मतलब दो क्रोमोसोम साथ में होंगे, लेकिन यहाँ दो ना होके क्या हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी। और अगर क्रोमोसोम्स में दो की जगह एक और क्रोमोसोम्स आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नंबर में एक बढ़ जाएगा तो वो 47 हो जाएगा। तो ट्राइसोमी में 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड वेरी गुड, आंसर दिया था, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोसोमी में क्या होगा, मोनो का मतलब सिंगल। अभी 46 क्रोमोसोम्स है, सेक्स क्रोमोसोम्स को छोड़ दो, वो हैप्लॉइड ही होते हैं, लेकिन जो डिप्लॉइड वाले हैं उसमें से अगर एक कम रह गया तो वो क्या हो जाएगा, वो हैप्लॉइड मोनोसोमी कहलाएगा। मींस यहां पे 46 में एक कम हो जाता है, 46 में एक कम हो जाएगा तो मोनोसोमी होगा। 45 क्रोमोसोम्स, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोसोमी बोलते हैं। वेरी गुड, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम जो है ये इसी का एग्जांपल है। 47 क्रोमोसोम्स ट्राइसोमी, मोनोसोमी में 45। अभी तो आप क्रोमोसोम्स का नंबर याद रखो, वो भी बताएंगे आपको। समझ में आ गया, हैप्लॉइड ट्रिप्लॉइड ट्राइसोमी मोनोसोमी। अब एग्जांपल में डायग्राम देख लें, क्या आप मुझे कैरियोटाइपिंग के इमेज को देख के बता सकते हो कि पर्सन को क्या डिफेक्ट है? अभी आपके सामने इमेज रखेंगे और आपको देख के बताना है कि उसमें पर्सन को क्या डिफेक्ट है। दिखा दे, मैम ट्रिप्लॉइडी बता दो। ट्रिप्लॉइडी में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स में होते हैं ना, जैसे आपने 46 बोला तो यहां पे 23 ऐसे करके इजी याद रहता है, इसलिए मैं बता रही हूं, आप याद रख सकते हो। वैसे तो हमने बोला 23 पेयर्स होंगे, यही तो हमने पढ़ा, 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ 23 पेयर्स ना होके एक 23 क्रोमोसोम्स का पूरा सेट जो है एक्स्ट्रा आ जाता है। तो अब देखो ऐड करो कितने हो गए, तो क्या इजी है ना याद करना। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि ट्रिप्लॉइडी के अंदर सेट हो जाता है, 23 पेयर्स ना रह के वो ट्रिपल पेयर मतलब तीन बन जाते हैं सेट में। ठीक है, ये समझ में आ गया, 69 क्रोमोसोम्स ट्रिप्लॉइडी जिन्होंने पूछा था उनको क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, एनिप्लॉइडी ये समझ में आ गया। अब आपको डायग्राम दिखा देते हैं थोड़ा सा, आप भी बोर हो गए, अरे यार चल ही रहा है। अब डायग्राम से मुझे देख के ट्रिप्लॉइडी का इमेज आए तो आप बता सको कि इतना अच्छे से पढ़ा है, और इमेज आ गया तो पता ही नहीं यार ये है क्या चीज, छोड़ देते हैं इसको, छोड़ना नहीं है, इसीलिए मैं डायग्राम इंक्लूड कर रही हूँ इसके अंदर।
अभी इमेज देख के आपको बताना है ये कौन सा है, ठीक है? ये है कैरियोटाइपिंग का इमेज। अब देखो ये आपके सामने है इमेज, ये कैसे हो गया? दिस इज कॉल्ड एज कैरियोटाइपिंग। जो कैरियोटाइपिंग की स्टडी मैंने बोला था, क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है, वो इस तरीके से है। मैम ट्रिप्लॉइडी क्यों होते हैं, मतलब कैसे होते हैं? अरे यार सब बताएंगे, सब जूम कर दूं फिर वो दिखेगा नहीं आपको। ये थोड़ा ब्लर्ड सा है बट आपको ऐसे देख लो, दिख नहीं रहा है क्या आपको? अरे यार ये चल नहीं रहा है। अब ठीक है, यस जूम कर दिया, करते हैं तो उसका रिपोर्ट इस तरह से आता है और इसकी स्टडी करके हम बता देते हैं कि क्रोमोसोम्स की कोई एबनॉर्मैलिटी है या फिर नहीं है। समझ में आ रहा है? अब यहां पे देखो फर्स्ट नंबर का जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर में है, सेकंड नंबर ध्यान से देखना, इसी में कुछ ज्यादा चीजें इसमें नहीं है करने वाली, ड्रॉ भी कर देंगे पहले इस इमेज में, आप देख लो। फर्स्ट नंबर पेयर है, सेकंड पेयर है, थर्ड भी पेयर है, फोर्थ नंबर पेयर है, फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व तक पूरा पेयर है, इलेवन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, ट्वेंटी तक देखो बिल्कुल ठीक है, सब पेयर में है, लेकिन ट्वेंटी वन जिन्होंने बोला था कि बिल्कुल नॉर्मल है मैम रिपोर्ट, अभी भी बोल रहे हैं। करिश्मा जी देखो यहाँ पे 21 में पेयर होना चाहिए लेकिन यहाँ पे तीन है, तो क्या ये नॉर्मल है? नहीं, यहाँ ये ट्राइजोमी 21 नंबर पे है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइजोमी 21। बस यही समझाना था, आप इसको देख लो कि ये इस तरह का एग्जाम में अगर कोई भी आएगा तो आप देख के एक सेकेंड में बता सकते हो, इससे इजी क्वेश्चन कोई होगा नहीं। समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा इजी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ट्राइजोमी 21। क्लियर है? इस डिफॉर्मिटी को, इस क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को हम क्या बोलेंगे, ट्राइजोमी 21। 22 नंबर वाला फिर से क्या है, डिप्लॉइड है। जिन्होंने पूछा था कि डिप्लॉइड का मीनिंग क्या होता है वो भी यहाँ पे फोकस करेंगे। डिप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम नंबर पेयर्स में होते हैं, तो यहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स पेयर्स में हैं एक्सेप्ट 21 नंबर वाला। 21 नंबर पे जो है वो तीन क्रोमोसोम्स हैं जिसे हम ट्राइजोमी 21 बोलते हैं, और ट्राइजोमी 21 इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ट्राइजोमी 21 को हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। 22 नंबर वाला नॉर्मल, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट है तो ये नॉर्मल है। एक और देखते हैं, ये वाला दिख रहा है क्या आपको? ये वाला सबको दिख रहा है, ये तो बहुत अच्छे से ड्रॉ है, उसमें थोड़ा नहीं था, ये वाला दिख रहा होगा। Yes, तो इसे देख के बताओ क्या ये रिपोर्ट नॉर्मल है या फिर इसमें कोई एबनॉर्मैलिटी है। ये आपके सामने है, एबनॉर्मल मैसेज भी देखो मैम, डाउट है लास्ट क्रोमोसोम में, लास्ट में एबनॉर्मल मिसिंग वन क्रोमोसोम। क्या डाउट है, क्या डाउट है? मैंने देखा नहीं, सॉरी, क्या डाउट है आपका? हमें कैसे पता चलेगा कि, यार पता तो चल रहा है। अब यहां पे देखो एक बार मैं और बताती हूँ, जिनको डाउट है प्लीज एक बार सामने देखेंगे। अरे इतना क्यों टाइप कर रहे हो आप लोग यार, सबने 45 टर्नर सिंड्रोम, ये टर्नर सिंड्रोम है क्या? अच्छा आप आंसर टाइप कर रहे हो क्या, मुझे लगा आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। अच्छा ठीक है इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22।
22 पेयर्स कंप्लीट है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम्स मैंने बोला हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और यहां पे सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है, मिसिंग है। ठीक है, यहां पे सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है, मिसिंग है। तो ये क्या नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है। ये कौन सा टाइप होगा, ये टाइप होगा मोनोजोमी का। जिन्होंने आंसर दिया बहुत अच्छा, जिनको समझ लिस्ट का है, नॉर्मल है, आज ही पढ़ा था क्लास में एबनॉर्मल। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मोनोजोमी बिल्कुल सही, जिन्होंने पढ़ा, अभी मैंने ही तो पढ़ाया है, सही बात है। अभी तो बताया है कि अगर क्रोमोसोम्स में पेयर्स हैं और उसमें 46 से कम होगा तो मोनोजोमी होगा, 46 से ज्यादा है, 47 हो गया तो ट्राइजोमी होगा, और 69 हो गया तो ट्रिप्लॉइडी हो जाएगा। और अगर इनमें से कोई, मान लो यहाँ पेयर है, इनमें से कोई एक मिसिंग है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड नंबर एन्यूप्लॉइडी। लेकिन यहाँ सेक्स क्रोमोसोम्स मिसिंग है, अगर सेक्स क्रोमोसोम्स मिसिंग होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोजोमी का कौन सा डिफेक्ट होगा। यस, मोनोजोमी का कौन सा डिफेक्ट होगा, अभी मैंने क्लास में थोड़ी देर पहले, वेरी गुड सहनीजा, टर्नर सिंड्रोम, वेरी गुड, टर्नर सिंड्रोम होगा, अगर कोई सेक्स क्रोमोसोम्स मिसिंग होगा उसे टर्नर सिंड्रोम। डायग्राम हटा दें, क्लियर है, समझ में आ गया। अगर इस तरह का कोई भी डायग्राम एग्जाम में आता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, देखते ही बता दोगे इस पर्सन को क्या डिफेक्ट है। और इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब चलो हटाती हूं मैं इसको। नेक्स्ट पेज, अब देखो जो मैंने आपको कैरियोटाइपिंग बताया था और जिनको नहीं दिख रहा था, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, वो थोड़ा सा देखेंगे। इसमें देखेंगे अभी, हैप्लॉइड नंबर का इमेज दिखाएं, दिखाते अभी मैं बताती हूं आपको। कैरियोटाइपिंग में जो इमेज की स्टडी होती है, जैसे अब ये क्रोमोसोम्स मान लो, इतना कौन डॉग रहे, जैसे ये वन नंबर है, 2, 3, 4, 5, इसी तरह का वो इमेज था जो मैंने बताया था। ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, 11 है, ये 12 है, और जो हमारे एग्जाम में एक्सपेक्टेड है वो डाउन सिंड्रोम से एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम आ सकता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आ सकता है, कुछ कुछ मोस्ट जो वेटेज वाले हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, 13 है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये कौन सा हो गया, 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 है, ये 20 नंबर का है, ये 21 है, और ये 22 है, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, मीन्स ये एक्स है और ये एक्स है। अब ये आपको बोलो, ये कैरियोटाइपिंग इमेज सबको दिख रहा है, थोड़ा नीचे लिखो, अच्छा अभी ये दिख रहा है आपको। अब मुझे बताओ ये कौन सा डिफॉर्मिटी, ये कैरियोटाइपिंग इमेज नॉर्मल है या एबनॉर्मल। वेरी गुड, अब देखो इसमें क्या एबनॉर्मैलिटी है, ये सही है, ये जितने भी क्रोमोसोम्स में मैं रेड टिक कर रही हूं इनमें कोई एबनॉर्मैलिटी है, 9 नंबर का, 10 नंबर, 11 नंबर, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, लेकिन जब मैं यहाँ पे देख रही हूँ मुझे क्या दिख रहा है, 21 नंबर पे तो 3 आ गए, ये तो डिप्लॉयड होने चाहिए, पेयर में होने चाहिए, लेकिन यहाँ ये पेयर में ना होके ये क्या हो गए, ये देखो ये 3 हो गए, 1, 2, 3, तो इस तरह के। और बाकी हम देखें यहाँ पे तो ये क्या है, ये भी नॉर्मल है, अरे हट जाओ भाई, ये भी नॉर्मल है, सेक्स क्रोमोसोम सिंगल सिंगल दोनों प्रेजेंट है, ये भी नॉर्मल है। ये किस, ये जो कैरियोटाइपिंग इमेज है ये मैंने किसका लिया है, कौन से पर्सन का, मेल है या फीमेल है, मुझे बताओ ये कैरियोटाइपिंग स्टडी जो आप कर रहे हो वो किसकी कर रहे हो, मेल की या फीमेल की।
तो ऑब्वियसली फीमेल की कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही इसके क्रोमोसोम्स कौन से हैं, XX क्रोमोसोम्स हैं, और दोनों अगर XX क्रोमोसोम्स हैं इसका मतलब ये फीमेल की कैरियोटाइपिंग इमेज हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन इस फीमेल की कैरियोटाइपिंग इमेज में क्या हो गया है, डिफेक्ट है, और डिफेक्ट का नाम हम क्या देंगे, इसका नाम है ट्राइजोमी 21, क्योंकि इसके 21 नंबर पे तीन क्रोमोसोम्स आ गए, तीन क्रोमोसोम्स हैं, तो इसे हम ट्राइजोमी 21 बोलेंगे और इसका नाम हम क्या देते हैं, डाउन सिंड्रोम। तो इस कैरियोटाइपिंग इमेज की स्टडी करके हमें पता चला कि इसको क्या है, डाउन सिंड्रोम है। समझ में आ गया, ये चीजें समझ में आ गई। अब कैरियोटाइपिंग का इमेज आएगा तो भी कर लोगे, डिफेक्ट आएगा तो भी कर लोगे। और आप बोल रहे थे हैप्लोइड वाला डिफेक्ट कैसे होगा, जैसे मैंने लास्ट वाला दिखाया था, अगर इसका ये मिसिंग है, ठीक है, अगर मैं इसी में करूं तो यहां पे देखो आप, ये नॉर्मल है, ठीक है, और यहां आप बताओ ये क्या होगा, यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल है, ये भी सही है, 20 नंबर का, 21 नंबर, 22 नंबर सेक्स क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम्स मिसिंग है। ये फर्स्ट वाला था, इसका हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट का आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ गया आपके सामने। इसमें मैंने चेंज क्या किया, यहां से एक एक्स क्रोमोसोम को हटा दिया, एक सेक्स क्रोमोसोम को हटा दिया, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, कोई भी हो, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं है। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 45, ये कैसे हट गया, 46 होने चाहिए टोटल, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स को मेंशन करते हैं जिसमें से एक ही सेक्स क्रोमोसोम्स है, एक ही सेक्स क्रोमोसोम है एक्स और वाई। अभी मुझे इधर से कुछ देखा, ब्राइटनेस का यहीं से होता है क्या शायद, हाँ यहाँ पे बोल रहे हो नाइट लाइट, ओके चलो अब कर देंगे नेक्स्ट टाइम से यहीं से, ओके। तो अब आपको सेकेंड क्वेश्चन में पता चला वो क्या है, 45XO है, और इसको हम क्या बोलते हैं, 45X है, और जहाँ पे एक क्रोमोसोम एब्सेंट है उसकी जगह मैंने जीरो लिख दिया, समझ में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 45XO, और इस एबनॉर्मैलिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम, वेरी गुड, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो ये सारे नोट्स आपने बना लिए, क्रोमोसोम्स तो मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया होगा, क्रोमोसोम्स को स्टडी कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, किसी के अंदर कोई क्रोमोसोम डिफेक्ट देखना हो किस तरह से देखेंगे, ठीक है। अब इसी में से कोई एक यहाँ पे मिसिंग हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, 10 नंबर पे है तो यहाँ पे भी वहाँ यहाँ दिखाएंगे, वो मोनोसोमी में, वो किस में आएगा, हैप्लॉइड नंबर में आ जाएगा, एन्यूप्लॉइडी का क्या होगा, हैप्लॉइड नंबर वाला। अच्छा कोई बोलना है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बता दो एक बार, टर्नर सिंड्रोम समझ में आ गया। अब देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ क्रोमोसोम्स का नंबर जो है, जैसे इस फीमेल का एक्स है, वाई है, और एक एक्स और आ गया, ये मेल है लेकिन इसमें एक XX क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, ये हमेशा याद रखना, अगर एग्जाम में आएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, इसके अंदर अभी मैंने बताया था एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, मींस कौन सा, सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 47, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स एक्स वाई, समझ में आया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एक्स एक्स वाई, 47XXY, समझ में आ गया आपको, ये चीज क्लियर है क्या। अरे यार ये हट कैसे गया, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, 47XXY, तो वो इमेजिंग थी और उसमें, हाँ जी वही होता है, और वो सेक्स जेनाइटल जो बोल रहे हैं ना किन्नर्स वगैरह में क्या क्या होता है वो सब बताएंगे, उनमें जेनाइटल एबनॉर्मैलिटी होता है वो भी हम पढ़ेंगे, वो एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है, वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर डिफेक्ट होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी भी हो सकता है, और भी तरह के डिफेक्ट्स जो है
वो होते हैं. यस yes. उसमें अब ये क्या है, इसको आप मेल बोलोगे या फीमेल, अपीयरेंस इस पर्सन का कैसा होगा जिसका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, अपीयरेंस कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे वाई आ गया, डोमिनेंट होगा, मेल होगा, लेकिन मेल के अंदर क्या होंगे, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, फीमेल वाले करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम आ गया, है तो मेल लेकिन उसके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, अदर फीमेल करेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे. समझ में आ गया. बाकी आप जो क्रोमोसोमल चैप्टर्स उसमें अच्छे से कर सकते हैं. यहाँ पे मेरे को बताना था कि मेल और फीमेल सेक्स सेल्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. अब आगे बढ़ते हैं. देखो आप तो घर पे हो तो मैं ये नहीं बोल सकती कि ब्रेक ले लो, चले जाओ, ये कर लो, साथ में ही सब कुछ रखो, मंगा लो, चाय कॉफी पीते रहो, माइंड को फ्रेश करते रहो और आगे बढ़ते रहो. अब हम टॉपिक स्टार्ट करें, ये सब बताएंगे, आप इतना परेशान मत हो. एक्स हो सकता है, करिश्मा विष्ट हो सकता है. क्लास कब तक है आप बताओ, कब तक ले, जब तक बोलोगे तब तक ले लेंगे. कितने बजे तक बोला हुआ है आपको, कितना टाइम हो गया, परेशान हो रहे हो क्या? 5 ही तो बजे हैं अभी, 2 ही घंटे की तो क्लास हुई है. 7 बजे तक ले लें, आज के लिए इनफ है. अरे यार पढ़ लो, देखो क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, ऑप्स गाइन इंपॉर्टेंट भी है, तो घर पे ही तो बैठे हो. मैं आई हूँ इतनी दूर से पढ़ाने के लिए, मुझे टेंशन होनी चाहिए. मैम कंटिन्यू, ठीक है कंटिन्यू करते हैं. अभी देखो मैं क्लास का बता दूँ, 6 बजे तक क्लास लेंगे, इसलिए परेशान मत हो, दिल थाम के बैठो, 1 घंटे और पढ़ना है आपको. हाँ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब ना कर. यस मैम आज इनफ है. कौन बोल रहे, ज़्यादा हो गया क्या, अभी तो बेसिक चीज़ें ही बताई हैं. चलो ठीक है, आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं. आप थोड़ा सा परेशान क्यों हो रहे हो, इतना पढ़ना ही तो है, 2-3 घंटे की अब क्लास नहीं लोगे तो बताओ क्या करोगे अभी से आप, हैं जो बोल रहे हैं कि बस इनफ है, ज़्यादा है, तो मुझे ये बताओ अब करोगे क्या आप? इसके बाद तो खुद ही पढ़ना है ना, घर पे बैठो आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बना लो, उसके बाद रिवाइज करना, अपना काम कर लेना, ठीक है. ओके अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक को थोड़ा सा समझ लेते, फिर मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी तो और मज़ा आएगा आपको. अच्छा टॉपिक स्टार्ट ना कर, अरे आप इतना क्यों घबरा रहे हो यार, मैं क्या कर. ठीक है ठीक है ठीक है, अब बातें नहीं. अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं. मैंने इंट्रोडक्शन के लिए क्लास लिया, वो आपको अच्छे से समझ में आया कि मैंने आपको सारी चीज़ें फीमेल और मेल से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो बताया है, लेकिन अभी मैं बहुत डीप में नहीं गई हूँ. 5 मिनट का ब्रेक देकर कंटिन्यू कर ले. Yes, दे देंगे, अगर आपको ब्रेक चाहिए तो दे देंगे, लेकिन परेशान मत हो. ब्रेक चाहिए क्या सबको? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इतना टाइम हुआ है जो आपको परेशान होना चाहिए. ब्रेक चाहिए? यस मैम. नो क्या करोगे यार, घर पे ब्रेक लेके अभी घूमने थोड़ी जाना है आपको. अब 10 मिनट का ब्रेक लोगे इससे अच्छा कंटिन्यू कर लेते. नो ब्रेक नो. ठीक है पढ़ लो. अभी मैंने आपको जो बताया है वो मेल फीमेल सब सुपरफिशियल बताया है. जब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसके अंदर जेनिटेलिया के बारे में, उसके डिफेक्ट के बारे में, जैसा कि आपने एम्स के एग्जाम में देखा होगा, क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे आते हैं, डायग्राम्स दे देते हैं, वीडियो दे देते हैं, उससे फिर पूछ लेते हैं, तो वहाँ पर हम उस चीज़ों उन जो चीज़ें वहाँ पे पूछी जा रही है उसके बेस पे प्रिपरेशन करेंगे. वो सारी चीज़ें हम वीडियो में भी, अभी मैं एक वीडियो भी लेके आई हूँ, अगर आप क्लास के लास्ट तक बनोगे तो वीडियो भी देखोगे, क्वेश्चन भी करोगे, तब जाओगे, जल्दबाजी मत करो, ठीक है. और ये डेली होगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास है तो आज करवा रहे कल से नहीं होगा, डेली ये क्लासेस चलेंगी, इसी बेस पे चलेंगी आपकी, ठीक है. सारी चीज़ें इसमें दिखाया जाएगा आपको, और परेशान मत हो, ये इंट्रोडक्शन में था, बाकी जो भी आपका डाउट्स है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर डिटेल्स में हम पढ़ेंगे. अभी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपको बताया ये चीज़ें होती हैं, ये टर्म्स आप नोट डाउन करो, इसको पॉइंट वाइज लिखो. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है गायनेकोलॉजी में, जिसमें बार बार एम्स में एग्जाम या कोई भी एग्जाम्स हो वहाँ से क्वेश्चन आता है, उस टॉपिक का नाम क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टॉपिक्स में हम देखेंगे, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हॉर्मोन्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है. तो आवाज़ आ रही है क्या?
मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टॉपिक में आवाज आ रही है? ओके ओके ओके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टॉपिक है, हम कंटिन्यू करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टॉपिक को लेते हैं क्योंकि ये लंबा है, उसके क्वेश्चंस को भी हमें देखना है। तो आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में दूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हॉर्मोन से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हॉर्मोन्स का। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बाकी जो भी चीजें थोड़ी थोड़ी रह गई वो बीच में हम इसको मैं बताती जाऊंगी, बहुत सारे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको क्लास के बीच बीच में और बताती रहूंगी। यहाँ पे सबसे पहले फीमेल के अंदर, वैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है लेकिन बहुत लंबा है, ये स्मॉल टॉपिक है, वेटेज वाला टॉपिक है, इसलिए मैं इसको पहले करवा रही हूँ जिसे आप अच्छे से समझ सको। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको पता है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, मंथली चेंजेस फीमेल के अंदर जो है मंथली ये आता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये साइक्लिक चेंजेस है। इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं और ये कितने दिन का होता है वो देखते हैं, फिर इसका डायग्राम से भी समझेंगे क्योंकि एग्जाम आते हैं, हॉर्मोन्स भी समझेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल अगर हम बात करें तो कितने दिन का होता है? 28 डेज का होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल कितने दिन का होता है? 28 डेज का होता है। इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखेंगे एक बार क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन लिखेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, अगर हम डिफाइन करें तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? इट इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन, क्योंकि ये दिखाई देने वाला प्रोसेस है, इट इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन ठीक है। ये सबसे पहला लाइन मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल का क्या लिखा है? इट इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन, दिखाई देने वाला प्रोसेस है, साइक्लिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे साइक्लिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस इट इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन, साइक्लिक प्रोसेस फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर इन अ फीमेल। फीमेल में क्या होता है? विजिबल मैनिफेस्टेशन है, साइक्लिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यू टू शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। कौन बात कर रही है? आवाज आ रही थी अभी। इट इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन, साइक्लिक प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यू टू द शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। और जब फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम टूटता है तो फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम टूटेगा तो क्या होगा? द प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स है, एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना कोमल। प्लीज एक बार ध्यान दो, आपका वीडियो ये ऑडियो क्या सब ये सब ऑन हो जाता है। हाँ, बोल दिया मैंने। अरे पीछे पड़ गए आप तो, सब कोमल ही हो रहा है एकदम, पढ़ाई पे ध्यान दो। उन्होंने बंद कर दिया, गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप सोचोगे डेफिनेशन थोड़ी लिखना है हमें दोनों, लेकिन इस डेफिनेशन से क्वेश्चन कैसे आता है ये टेक्निक आपको सीखना है, इसीलिए इस डेफिनेशन को लिखना है। समझ में आ रहा है? इट इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन, साइक्लिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यू टू द शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम एंड ब्लड एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना। ब्लड कहाँ से निकलता है? ब्लड एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ इनविजिबल रोल ऑफ हॉर्मोन्स। With
विद इनविजिबल मुझे ये बताओ डेफिनेशन लिख लो फटाफट कमेंट मत करो जल्दी जल्दी लिख लो कोमल 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 ही हो रहा है ठीक है अभी आप इस डेफिनेशन को लिखो डेफिनेशन मेंसुरेशन साइकिल पे मैंने क्या बोला है मेंसुरेशन साइकिल क्या है एक साइक्लिक प्रोसेस है 28 दिन का साइकिल है और इसमें क्या होता है मेंसुरेशन साइकिल इज अ फर्स्ट लाइन आप देखेंगे इस डेफिनेशन को समझेंगे लिख लिया सबने इट इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन अरे हो तो गया कोमल का माइक ऑफ आप तो पीछे ही पड़ गए उन्होंने कर तो दिया ऑफ है मेरे सामने ही है कोमल जी बिल्कुल माइक ऑफ है वीडियो ऑफ है सब ऑफ है ठीक है अब समझेंगे एक बार नोट डाउन कर लो ठीक है मेंसुरेशन साइकिल का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है मेंसुरेशन साइकिल क्या है इट इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन हर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है ये एक दिखाई देने वाला प्रोसेस है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस है और ये कैसा क्या होता है इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं थर्ड पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोला है इसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है अगर किसी फीमेल में 13 साल में प्यूबर्टी आ रही है तो क्या है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी है वो तो नॉर्मल है लेकिन लेकिन अगर 5 साल के या 6 साल के बच्चे में क्या हो जाए ब्रेस्ट का डेवलपमेंट या उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाए तो वो क्या होगा वो एक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा तो दोनों टर्म को ध्यान से रखना एग्जाम में आता है पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बट मेंसुरेशन साइकिल नॉर्मल है विजिबल मैनिफेस्टेशन दिखाई देने वाला साइक्लिक प्रोसेस फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है और ये क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम इसके डेफिनेशन में ही हर एक चीज बताया हुआ है कि ये शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर होती है उसका क्या होता है वो शेड ऑफ होता है शेडिंग का मतलब क्या होता है टूटना ये जो शेडिंग है शेडिंग का मतलब क्या होता है टूटना शेड ऑफ होना मतलब टूटना समझ में आ रहा है शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम यूट्रस की सबसे इनर वाली लेयर को यूट्रस की सबसे इनर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं जो यूट्रस की इनर लेयर होगी उसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं और वो हर साइकिल में उसका जो फंक्शनल लेयर होता है वो टूटता है और वही क्या होगा एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना वही क्या होगा यूट्रस की इनर लेयर टूट के एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना इज कॉल्ड एज उसको हम क्या बोलते हैं मेंसुरेशन तो वही लिखा है शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम एंड दिस कलेक्टेड ब्लड जो एंडोमेट्रियम टूटा और जो ब्लड हुआ वो कलेक्टेड ब्लड जब वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट होगा वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे मेंसुरेशन बोलेंगे और ये अपने आप ही नहीं हो जाता मैंने लिखा ना ब्लड एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और वो ब्लड दिखाई देता है इसलिए यहां लिखा था विजिबल मैनिफेस्टेशन और नेक्स्ट क्या है किसकी वजह से विद द इनविजिबल रोल ऑफ हार्मोन इनविजिबल हट गया इनविजिबल ठीक है इनविजिबल रोल ऑफ हार्मोन हार्मोन्स का रोल रहता है और हार्मोन्स का रोल हमें दिखाई नहीं देता है ठीक है हार्मोन्स का रोल क्या है हमें दिखाई नहीं देता है तो इसीलिए हमें लिखा है इनविजिबल रोल ऑफ हार्मोन तो पूरा कंप्लीट आपको मेंसुरेशन साइकिल की डेफिनेशन आप लिख लो और ये समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ठीक है अब मेंसुरेशन साइकिल का डेफिनेशन आपने देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखना है और उसके अंदर मैंने बोला इनविजिबल रोल ऑफ हार्मोन होगा उसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट एचपीओ एक्सिस एचपीओ एक्सिस ठीक है अब एचपीओ एक्सिस क्या है इसको देखते हैं एचपीओ एक्सिस H का मतलब क्या है यहां पे H का मतलब क्या है हाइपोथैलेमस P से क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड O से क्या है ओवरी
ठीक है, एचपीओ एक्सिस में हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है एंड ओवरी है. तो यही एचपीओ एक्सिस क्या कर रहे हैं, जैसे इनविजिबल रोल ऑफ हार्मोन था, हार्मोनल रोल क्या है, एचपीओ एक्सिस है. तो हमें आपको समझना है यहाँ पे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी इन्वॉल्व्ड है, और यहाँ ए एक्सिस का मतलब भी क्या है, ये एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड. समझ में आ गया, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड होते हैं. तो अब क्या होगा, ये फॉल कौन लिख रहा है, फॉल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी. मैम एक बार लास्ट स्लाइड करना प्लीज, ये लो, ये है क्या लास्ट, ये लो लास्ट स्लाइड. गरिमा जी लास्ट स्लाइड कर दिया है, आप देख लो. और ये प्रीति चरण जी अभी बताएंगे प्रोजेस्टेरोन गिरेगा, ईस्ट्रोजन उठेगा, क्या होगा, वो सब बताएंगे अभी. ठीक है, परेशान मत हो, आप बस जो समझाती जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप लिखो, कंप्लीट होने के बाद अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे जरूर पूछना. अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी पूछ सकते हो. थैंक यू, हो गया. चलो, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, यस अब इंपॉर्टेंट देखेंगे, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, GnRH. हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, GnRH रिलीज होता है. हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं, मास्टर्स ऑफ द मास्टर्स ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड, वन मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर्स ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर्स ऑफ द मास्टर्स ग्लैंड. एंड दिस मास्टर्स ऑफ द मास्टर्स ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है, गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन. इसका फुल फॉर्म भी लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में आता है तो फिर नहीं, अपने नोटबुक में लिखना है, गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन. समझ में आ गया, GnRH का फुल फॉर्म क्या है, गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है. फिर हाइपोथैलेमस से जब गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होगा, वो एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन सा हार्मोन, कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर और पोस्टीरियर. तो यहां पे ये एंटीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, FSH, FSH एंड LH. पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, FSH रिलीज होगा और LH. कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा. अगर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अच्छे से समझना है तो प्लीज हॉर्मोन्स पे ज्यादा फोकस करना है. मैं हॉर्मोन्स को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, उसे अच्छे से समझना है. FSH एंड LH. नेक्स्ट आता है, जो FSH और LH रिलीज होता है वो एक्ट किस पे करता है, वो ओवरी पे एक्ट करता है, ठीक है, और ओवरी पे एक्ट करेगा FSH और LH. तो यहां से क्या रिलीज होगा, अभी क्वेश्चन आपने पूछा था कि आपने बताया कि टेस्टोस्टेरोन लीडिंग सेल से सिक्रीट होता है, तो ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन कहां से होता है, पूछा था ना आपने क्वेश्चन, तो आपका आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है. तो ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन कहां से होता है, ओवरी से, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. मैंने बोला है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे, जितना भी आपके मन में डाउट्स है, ये कहां से, वो कहां से, वो जैसे जैसे मैं सारी चीजें बताती जाऊंगी वैसे ही आपको आंसर मिलता जाएगा, ठीक है. तो FSH और LH बेसिक चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, सारी चीजें क्लियर करनी है. ओवरी से किसका सिक्रीशन होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का. जब पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH एंड LH सिक्रीट होता है, वो ओवरी पे एक्ट करता है, तो ओवरी से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होता है. मैम नथिंग इज विजिबल, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको, दिख नहीं रहा आपको, किसको किसको क्लियर नहीं है, आप एक बार अपना नेट चेक कर लो, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है. एक बार हो सकता है कि वाईफाई आपका जो नेटवर्क होगा उसमें भी कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, एक बार चेक कर लो आप.
ठीक है ठीक है ठीक है, सबका ठीक है, इसका मतलब आपके में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार आप अपना नेट चेक कर लीजिए, स्लो हो सकता है तो उसमें, और थोड़ा सा वो होता है ना कि 240 350 तो वो जितने पे आप रखोगे तो उस तरह से विजिबल होगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लो एक बार चेक कर लो। तो ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और FSH और LH को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, FSH एंड LH, शिट ये जो मैंने FSH और LH लिखा था, FSH एंड LH कंबाइंडली कॉल एज गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है। FSH एंड आज के लिए बहुत है मैम प्लीज, तनु ठीक है लाइव में ही होता है मैम ये ऑप्शन, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी देर और पढ़ लो, थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लें उसके बाद, इतना क्यों परेशान हो रहे हो पता, जब हम आप तो फिर भी घर पे कैसे भी लेट के उठ के कैसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है, कि क्लास भी तो कंप्लीट करनी है ना, अगर बीच में अभी एग्जाम आ गया नर्सिंग, उसमें कोई भरोसा नहीं है कब कितने सारे एग्जाम आ जाए, अभी देख लो एम्स दिल्ली का, ऋषिकेश, वो सब एकदम एक साथ ही इतने सारे एग्जाम आ जाते हैं, तो अपनी तैयारी पहले से ही करके रखो। बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा गायनी का बहुत सिलेबस है, ऑप्स का बहुत सिलेबस है, फिर मुझे इंस्ट्रूमेंट सर्जरी जितना भी है वो सब कराना है, इसलिए आप पढ़ते रहो आराम से, परेशान मत हो, मन कर रहा है तो लेट के नोट्स ले लो और बैठ के पढ़ो आराम से, अभी थोड़ी एक क्लास में बैठे एकदम ऐसे ही बैठना है, फोन के सामने बैठकर स्ट्रेस पड़ता है आइस पर मैं, देखो फोन पे इसीलिए चश्मा लग गया मेरा, तो एक वो वाला चश्मा ले लो, वो वाला होता है ना स्क्रीन का कुछ ऐसा होता है, कंप्यूटर मोबाइल जितना भी चलाते हैं मेरा वही वाला चश्मा है, कितना भी कंप्यूटर पे देखो स्क्रीन पे देखो टीवी देखो, इससे मेरे आईज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आईज पे स्ट्रेस होता है तो फिर हेडेक और पेन होता है, समझ में। हाँ हाँ बिल्कुल ब्लू, देखो सब पता है आपको, आपने तो आई वाई सब पढ़ लिया है, हाँ वही वाला चश्मा है, तो आप भी बनवा लो, क्योंकि आपको पूरे क्लास तो वैसे ही लेना पड़ेगा ना, इसी के ऊपर लेना पड़ेगा लाइव, तो आपका उससे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा आंखों पे। चलो आ जाओ, आप बातों में बहुत लगाते हो, बहुत मैसेज करते हो, आ जाओ, ठीक है। तो अभी हॉर्मोन्स को समझना है, थोड़ा सा बात कर लिया, रिलैक्स हो गए, फिर से अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टॉपिक पे आते हैं, और प्लीज़ आपको गिव अप नहीं करना है, आपका जो गोल है वो आपको मिलके रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मिले, आप बातें नहीं काम पे, बातें भी करो अच्छे से, फोकस करो स्टडी पे, और कोई भी ऐसा एग्जाम अपने मुट्ठी से निकलने मत दो, आप बेस्ट हो, आप हर चीज़ को कर सकते हो, समझ में आ रहा है, और पढ़ाई पे भी आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, जिस तरह से मैंने देखा मुझे बहुत मज़ा आया आज आपको पढ़ा के, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से आ रहे थे, ठीक है। तो प्लीज़ आप फोकस करो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मैंने आपको डेफिनेशन बताया है, हॉर्मोन्स बताया है, HPO एक्सिस को बताया है, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, दिव्या मैम ऑलरेडी 4 नंबर का चश्मा है क्या करें, मेरा तो बिल्कुल ही नहीं था, बचपन में शौक होता था कि चश्मा लग जाए भगवान, तब तो लगा नहीं, अब बिल्कुल मन नहीं करता तो अब लग गया, तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अब जॉब लग जाएगी बस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलो बातें नहीं। तो अब HPO एक्सिस हॉर्मोनल्स रोल को देखा है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली थी, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ऑप्शन नंबर वन पहला ऑप्शन ईस्ट्रोजन, सेकेंड प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड FSH एंड LH एंड फोर्थ वन ऑल ऑफ द एवर, फर्स्ट ऑप्शन ईस्ट्रोजन, सेकेंड प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड FSH एंड LH, फोर्थ ऑल ऑफ द एवर, और क्वेश्चन भी ध्यान में रखना, FSH LH D 4 ऑल ऑफ द एवर D FSH, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे समझ में आ गया, आपको क्लास समझ में आ गई, और जिन्होंने FSH LH बोला है वो ध्यान से समझेंगे, अभी मैंने क्वेश्चन आपको क्या बोला था, विच ऑफ द हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, याद रखना ये सब दर्जन में VMMC एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने पूछा है,
जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपके आया ही हुआ है, वो ही सारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं। तो आप क्वेश्चंस को तो एकदम याद रखना। मेरा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मैंने तो आपको नाम बता के दिया, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, लेकिन वहां पे थर्ड ऑप्शन में क्या था, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। और जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑप्शन मैंने क्या बताया, इस्ट्रोजन, बी ऑप्शन मैंने आपको बताया प्रोजेस्ट्रॉन, सी ऑप्शन मैंने आपको बताया गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, एंड थर्ड लास्ट मैंने आपको डी क्या बताया, ऑल। डी मैंने आपको क्या बताया, ऑल। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि गोनाडोट्रोफिन हार्मोन को ही हम क्या बोलते हैं, FSH and LH. FSH and LH is combinedly called as gonadotrophic hormone. Clear है? FSH and LH is combinedly called as gonadotrophic hormone. Yes, for the menstruation cycle, all the hormones are responsible for the menstruation cycle. अगर इसमें से आप ये सिर्फ करके आते हो gonadotrophic या estrogen या फिर progesterone, तो ये बहुत ही गलत होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर इसमें से एक भी हार्मोन में कमी होगी ना, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पॉसिबल नहीं होगा, एबनॉर्मैलिटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? कभी बोलते हैं बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत कम हो रहा है, हो ही नहीं रहा, तो एमिनोरिया, ये सब हम डिफॉर्म एबनॉर्मैलिटीज पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। तो वो पहले आप बेसिक जो नॉर्मल चीजें हैं वो समझोगे, तभी तो आगे डिसऑर्डर पढ़ पाओगे या समझ पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, FSH, LH की गुड कमांड होनी चाहिए, जो कि हम कल की क्लास में हार्मोन्स को ही डिस्कस करेंगे। आज हम ये पढ़ लेते हैं नॉर्मल चीजें, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, ऑल। ये क्लियर है आपको? ऑल हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट हम चलते हैं, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बता रही थी, जिसके अंदर मैंने आपको पहला क्या बताया था, HPO एक्सिस। ये HPO एक्सिस तो आपको क्लियर हो गया, ऑल हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और किससे क्या रिलीज होता है ये भी क्लियर हो गया। सेकंड, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की नॉर्मल लेंथ होती है 28 डेज। थर्ड वन, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मिनार्के बोलते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हो। फोर्थ वन इज रिप्रोडक्टिव एज। प्यूबर्टी तो आपने पढ़ लिया, अब मुझे आप ये बताओ व्हाट इज रिप्रोडक्टिव एज। क्या दिख रहा है आपको? ये ठीक है, मुझे तो सही दिख रहा है इसमें, चाइल्ड बर्थ पीरियड, ठीक है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव एज, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एज इज आल्सो कॉल्ड एज, मैं क्लास में हूं बाद में करूंगी। रिप्रोडक्टिव एज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एज इज आल्सो कॉल्ड एज चाइल्ड बियरिंग एज। लिख लेना, चाइल्ड बियरिंग एज, रिप्रोडक्टिव एज को ही हम चाइल्ड बियरिंग एज बोलते हैं। और रिप्रोडक्टिव एज क्या होता है एक फीमेल में, जब एक फीमेल, वेरी गुड आर्यन वर्मा, वेरी गुड शीतल आंचल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज जो है वो क्या होता है, एक फीमेल की जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी आने के बाद से जब उसका परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेनोपॉज नहीं हो जाता, उसके बीच का जो ड्यूरेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एज और चाइल्ड बियरिंग एज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज और चाइल्ड बियरिंग एज, ठीक है। ये कितना होगा, रिप्रोडक्टिव एज को ही चाइल्ड बियरिंग, मतलब जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में होगी तो उस क्या कर सकती है, चाइल्ड बियर कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, न्यू ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर सकती है। समझ में आ रहा है? मींस प्यूबर्टी से लेकर और मीनोपॉज से पहले पहले, मीनोपॉज होने के बाद तो कोई बच्चा नहीं हो सकता, प्यूबर्टी होने के बाद ही बेबी होगा। तो प्यूबर्टी से मीनोपॉज के ड्यूरेशन को ही क्या बोलते हैं,
रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। अगर किसी फीमेल को 15 साल में 13 साल में प्यूबर्टी आ गई और उसका मीनोपॉज 45 ईयर्स में 47 ईयर्स में आया, उस बीच के ड्यूरेशन को रिप्रोडक्टिव एज बोलेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सुनो ध्यान से, विच ऑफ द सॉरी द बेस्ट रिप्रोडक्टिव एज, मतलब बेस्ट चाइल्ड बियरिंग एज क्या होता है, बेस्ट चाइल्ड बियरिंग एज क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट में, बेस्ट चाइल्ड बियरिंग एज। रिप्रोडक्टिव एज तो पता चल गया आपको, मैंने बता दिया प्यूबर्टी से मीनोपॉज है तो कितना था 15 से लेकर 45 साल। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, बेस्ट चाइल्ड बियरिंग एज क्या होता है, बिफोर 30, 82, 35, 82, 30, 30, ठीक है। जब वर्ड यहां पे बेस्ट लग जाए 20 to 30 ईयर्स को बेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 35 में नहीं हो सकता या 45 में नहीं हो सकता, हो सकता है, बट 20 एंड 30, 20 से लेकर 30 साल का जो एज होता है, दिस एज इज कॉल्ड एज बेस्ट चाइल्ड बियरिंग एज, ठीक है। बेस्ट चाइल्ड बियरिंग एज 20 to 30 ईयर्स। एक फीमेल फर्टाइल कितने टाइम तक रहती है, एक फीमेल फर्टाइल कितने टाइम तक रहती है, तो आप देख लो, अगर 15 साल में प्यूबर्टी आई और 45 साल में मीनोपॉज आ गया, तो आपसे टाइम ड्यूरेशन पूछा जाएगी कितने साल ये रिप्रोडक्टिव एज में रहेगी, तो आप माइनस कर दो अप्रॉक्स एक फीमेल के, अगर 70 साल की फीमेल 80 साल तक जी रही है, जो भी है, उसके बीच में उसका जो टाइम ड्यूरेशन रिप्रोडक्टिव एज का होगा, फीमेल की पूरी लाइफ में अप्रॉक्सीमेटली उसका रिप्रोडक्टिव एज 30 साल का होता है। किसी का हो जाए 35 हो जाए, 33 हो जाए, किसी को 13 में ही आ गया और 47 में मीनोपॉज आ रहा है, तो वो ऐसा है, लेकिन मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं, मतलब अप्रॉक्स में 30 साल जो है वो क्या है, 30 साल जो है वो क्या है, इसका रिप्रोडक्टिव एज है। एक फीमेल की पूरी लाइफ में 30 साल जो रहता है वो क्या रहता है, उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ रहता है। प्यूबर्टी टू मीनोपॉज है ना, तो आप 45 कैसे कह रहे हो, बचपन से ही थोड़ी बच्चे पैदा करने लग जाते हैं, तो वो प्यूबर्टी के बाद ही बेबी। मैं पूछ कह रही हूँ बेस्ट रिप्रोडक्टिव एज कब होगा, रिप्रोडक्टिव का मतलब ही होता है कि रिप्रोड्यूस कर सकती है, बच्चे को पैदा कर सकती है। ऐसा नहीं कि 15 साल की लड़की को, अगर 13 साल में उसको वो आ गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ गया, तो 15 साल में बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन है। अगर 20 साल से पहले किया तो कॉम्प्लिकेशन है, 30, 35, 40 में भी कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर भी कॉम्प्लिकेशन है। समझ में आ रहा है, तो आपको याद रखना है 30 ईयर्स एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव एज रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड लॉस कितना होता है, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कितना ब्लड लॉस होता है, इन वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल ब्लड लॉस जो होता है वो कितना होता है, 20 to 80 ml। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन का ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। अगर पूछा है एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड लॉस कितना होगा, 20 से 80 ml तक हो सकता है, अगर 20 से कम हुआ तो एबनॉर्मैलिटी, अगर 80 से ज़्यादा हुआ तो एबनॉर्मैलिटी डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। जो 35 कह रहे हैं वो क्वेश्चन जब ये आएगा, एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है, तब हम आंसर क्या करेंगे, 35 ml। अगर क्वेश्चन में आएगा एक फीमेल में एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है, तब हम कितना लिखेंगे, 35 ml, 35-45 ऐसे ऑप्शन होगा, तब 35 हमारा आंसर जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट मुझे बताना है, वो मैं आप नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है, अच्छे से समझना, उसके बाद क्लास में हम क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। बस आगे वाला कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ लो, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया वो लिख लिया, ये पॉइंट लिख लेना। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेनार्के बोलते हैं, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मीनोपॉज बोलते हैं, एक फीमेल का एवरेज एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल 13 ईयर्स होता है। ये सब मैंने लिखा नहीं है क्या, एवरेज एज पूछे तो 13 ईयर्स होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सब बनता है इससे, याद रखना, प्यूबर्टी में कभी भी आ सकता है ऊपर नीचे, लेकिन एवरेज एज 13 साल होता है। फीमेल का ब्लड लॉस 20 से 80 ml होता है,
एवरेज ब्लड लॉस 35 ml होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की लेंथ कितनी होती है 28 डेज की होती है, ओव्यूलेशन कितने दिन पे होता है 14 डेज प्रायर टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, 14 डेज प्रायर टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है उसका ओव्यूलेशन होता है, किसी भी साइकिल के अगर मान लो फीमेल को हर 28 दिन में क्या आ रहा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो उससे 14 दिन पहले उसका क्या होगा ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। ओव्यूलेशन पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं तो हम देखेंगे, पहले एक कॉन्सेप्ट एचपीओ एक्सिस का थोड़ा सा आपको समझना है, हॉर्मोन्स का लिख लिया मैम, लिख लिया, ओके ओके। जितने भी मैंने वन लाइनर पॉइंट्स बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर ये सारे नोट डाउन करने हैं आपको। नेक्स्ट आप देखना है एचपीओ एक्सिस, मैं आपको कल बताऊंगी इसके फेजेस क्या होते हैं, लेकिन अगर हार्मोनल रोल को और उसके फेजेस को समझना है तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये जो भी कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सब पता चल जाएगा, नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, कहाँ से हार्मोन रिलीज होता है, कहाँ से जाता है। लास्ट स्लाइड, ठीक है, कहाँ से कौन सा नेगेटिव फीडबैक जो आता है, इससे क्वेश्चन बहुत आने लगे। अब सिंपल क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन बता दो, अब उसका फंक्शन पूछा जाता है, किसने किसको कंट्रोल किया, किससे कौन सा हुआ, समझ में आ रहा है। ऊपर नहीं दिखता मैम, थोड़ा नीचे लिखिए, ऊपर दिख नहीं रहा, ठीक है ऊपर नहीं लिखेंगे, और मैं बोल भी रही हूं तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है मैं मुंह से बोल के भी बता रही हूं, आप सुन के लिख लो एक बार। अच्छा ऊपर कुछ नहीं दिख रहा मैम, मैम प्लीज राइट इन सेंटर, ठीक है आप सेंटर सेंटर में लिखेंगे, स्लाइड तो बहुत है, सेंटर सेंटर में लिखेंगे, ठीक है। ये देखो बेस्ट चाइल्ड बियरिंग एज लिखा है 20 से 30 साल, और ये 30 साल एक फीमेल का मैंने टोटल क्या बताया था, रिप्रोडक्टिव एज जो होता है एक फीमेल की पूरी लाइफ में रिप्रोडक्टिव एज 30 साल होता है, टोटल ब्लड लॉस 20 से 80 ml होता है, एवरेज ब्लड लॉस 35 ml होता है, और एवरेज एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल 13 साल होता है। बाकी कुछ कुछ मैंने बोला भी है तो आप सुन के भी लिख सकते हो, ठीक है आगे करें। ऊपर नहीं दिखता मैम, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई मैं, समझ गई आपकी प्रॉब्लम। अब यहां से आपको समझना है हाइपोथैलेमस से, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, अब आप थोड़ी देर ध्यान से सुनो, लिखने के लिए मैं दे दूंगी टाइम, आप एक बार समझ लो, सब सब कुछ छोड़ दो, एक बार इधर ध्यान दो सेंटर, ऊपर नहीं लिखेंगे, यहां से हाइपोथैलेमस से स्टार्ट किया, ऊपर कुछ नहीं लिखा है, एचपीओ एक्सिस लिखा है, हाइपोथैलेमस से स्टार्ट किया है। हाइपोथैलेमस से मैंने बोला था क्या रिलीज होता है, जीएनआरएच, और ये कब, एट प्यूबर्टी, ये हम बात कर रहे हैं जब एक फीमेल की प्यूबर्टी आती है, जब एक फीमेल की प्यूबर्टी आती है उस टाइम पे उसके हाइपोथैलेमस से, क्योंकि प्यूबर्टी पे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, मैंने बोला 13 साल उसका एवरेज है, उसी टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, तो उसको शुरू करने से पहले उस फीमेल की जब प्यूबर्टी आ गई तब उसके हाइपोथैलेमस से क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है, और क्या रिलीज होता है, गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, और गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते ही आपको पता है यहाँ से FSH और LH रिलीज होता है, लेकिन अभी सिर्फ क्या होगा, FSH रिलीज होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से सबसे पहला जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा होता है, FSH, और इसका फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब GnRH ने एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया तो वहां से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ, और ये FSH क्या करता है, किस पे एक्ट करेगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन किस पे एक्ट करेगा, ओवरी पे एक्ट करेगा, और ओवरी पे एक्ट ऑन ओवरी, और ओवरी में भी क्या करता है, ये देखो ओवरी का डायग्राम, ओवरी में क्या होते हैं, फॉलिकल्स भरे हुए होते हैं, ओवरी में क्या होते हैं, फॉलिकल्स भरे हुए होते हैं, और फॉलिकल्स के चारों तरफ ये प्राइमरी ओसाइड है, ठीक है, एक का बना के दिखा देते हैं, जो मैंने बीच में बनाया है वाइट से बनाया है, ये क्या है, प्राइमरी ओसाइड है, प्राइमरी ओसाइड है, और जो मैंने रेड से बनाया है ये क्या है, फॉलिकुलर सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स हैं,
ठीक है, एक्ट ऑन ओवरी, FSH किस पे एक्ट करता है, ओवरी पे एक्ट करता है, ओवरी में भी किस पे एक्ट करता है, फॉलिकल्स पे एक्ट करता है, ठीक है। अब ये फॉलिकल्स का मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया, ओवरी को अगर हम खोलें तो ओवरी के अंदर क्या है, फॉलिकल्स भरे हुए हैं, ठीक है। जब एक फीमेल की प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के टाइम पे सारे प्राइमरी ओसाइट होते हैं उसकी ओवरी में, अगर उसको एक बार भी मेंस्ट्रुएशन नहीं आया तो सेकेंडरी ओसाइट नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो इसके ओवरी में क्या भरा हुआ होगा, फॉलिकल्स, और फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर आपने देखा कि प्राइमरी ओसाइट इज सराउंडेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रीमैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, प्रिमोर्डियल सेल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमोर्डियल सेल्स बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रिमोर्डियल, प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स, प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स, इसको हम प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स बोलते हैं, प्रिमोर्डियल सेल्स बोलते हैं, इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को। अब जब FSH इस पे एक्ट करेगा तो इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जितने भी इसके अंदर फॉलिकल्स हैं उसको स्टिमुलेट करेगा। तो FSH एक्ट ऑन, FSH एक्ट ऑन ओवरी, अब आपने ओवरी का डायग्राम भी देख लिया है, आपने ओवरी का डायग्राम भी देख लिया है, एक्ट ऑन ओवरी, और ओवरी के अंदर भी अगर आपसे पूछे किस पे करेगा तो इमैच्योर, इमैच्योर ग्राफियन, जी से ग्राफियन और एफ से फॉलिकल्स, इतना समझ में आएगा, ठीक है। एक्ट ऑन ओवरी, और ओवरी में भी किस पे, इमैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स पे एक्ट करता है। नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, जब इमैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा, ऊपर नहीं लिखना है, इमैच्योर, इमैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा तो इमैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होगा, ईस्ट्रोजन हॉर्मोन। ये क्या रिलीज करेगा, रिलीज ईस्ट्रोजन हार्मोन, रिलीज ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। जब इस पे एक्ट करेगा इमैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पे, FSH आया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, उसने इमैच्योर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया, जब इमैच्योर फॉलिकल्स स्टिमुलेट हुए तो वहीं से किसका सिक्रीशन होता है, ईस्ट्रोजन का। तो अब आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया कि ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन ओवरी के अंदर कहां से होता है, ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन, ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन ओवरी के अंदर इमैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से, इमैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से, प्राइमरी ओसाइट बोल सकते हो, प्रिमोर्डियल सेल बोल सकते हो, ठीक है, बहुत सारे नाम है, वहां से ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, इमैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। अब यहाँ पे समझना, जब ईस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पे ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होगा तो ईस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल ही, इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन हाफ ऑफ द साइकिल, एक से लेकर 14 दिन तक में ईस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है, और बढ़ा हुआ ईस्ट्रोजन का लेवल ही क्या करता है, ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH, नेगेटिव फीडबैक, अगर ईस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक ऑन LH, एंड ईस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल ही कहां पे जाता है, एक्ट ऑन द यूटराइन एंडोमेट्रियम, एक्ट ऑन यूटराइन एंडोमेट्रियम, नीचे लिख दिया है, ठीक है। अब आपको समझ में आया, मैंने बोला एक बार स्टार्टिंग से सुनते हैं, यहां से क्या था, हाइपोथैलेमस से GnRH का सिक्रीशन होता है, GnRH एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या सिक्रीट होता है, सबसे पहले FSH का सिक्रीशन होता है, FSH किस पे एक्ट करता है, ओवरी पे, ओवरी में भी अभी क्या है, इमैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है, मैच्योर नहीं हुए हैं क्योंकि अभी फीमेल की प्यूबर्टी आई है, तो उस इमैच्योर फॉलिकल्स पे जब FSH एक्ट करेंगे, मीन्स FSH का मतलब है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब उस छोटे छोटे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे तो वो स्टिमुलेट होकर गुस्से में क्या करेंगे, ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ा देंगे, क्योंकि उसको स्टिमुलेशन मिलेगा, और स्टिमुलेशन मिलेगा तो क्या करेंगे, ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ाएंगे, और ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा
इमेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल रिलीज इस्ट्रोजन हार्मोन, स्टिमुलेट होके इस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। इस्ट्रोजन हार्मोन का ही जो सिक्रीशन है वो क्या करता है, जब बढ़ा हुआ ब्लड में इस्ट्रोजन लेवल रहता है, नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH। अब नेगेटिव फीडबैक का मतलब आपको समझना है, जब नेगेटिव फीडबैक FSH को जाएगा तो FSH क्या करेगा, अपने सिक्रीशन को कम कर देगा, तो यहां पे क्या होगा, डिक्रीज FSH। जब भी नेगेटिव फीडबैक FSH को जाएगा तो FSH का लेवल क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो वो FSH को क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका यहां से गलत नहीं होगा। तो ईस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH एंड पॉजिटिव फीडबैक ऑन LH। अगर पॉजिटिव फीडबैक ऑन LH जाएगा तो मुझे बताओ LH का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। LH का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सडन इंक्रीज इन LH लेवल इज कॉल्ड एज LH सर्ज। Sudden increase in LH level is called LH surge and act on uterine endometrium। और जब ये estrogen endometrium पे act करता है तो endometrium की layer को क्या करता है, बनाता है। समझ में आ रहा है, endometrium help in the preparation, estrogen hormone help in the preparation of endometrium। ये endometrium की layer को क्या करता है, बनाता है। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब मैंने बोला कि यहां से FSH का लेवल डिक्रीज हो गया, LH का लेवल इंक्रीज हो गया। यहां मैंने लिखा है FSH का लेवल डिक्रीज हो गया, LH का लेवल इंक्रीज हो गया, और यहां पे यूट्राइन एंडोमेट्रियम पे एक एक्ट करेगा तो यूट्राइन एंडोमेट्रियम को क्या कर देगा, प्रोलीफरेट कर देगा। मतलब प्रोलीफरेट मतलब बनाने लग जाएगा। यहां पे इसको क्या कर दे, मैम प्लीज राइट इन सेंटर ऊपर बैक स्लाइड मैम रिपोर्ट रिपीट कर दो। क्या डाउट है, कुछ डाउट है क्या आपको, ऊपर का कुछ नहीं, अच्छा ऊपर का नहीं, अच्छा मैं भूल जाती हूँ यार, नहीं लिखूंगी ऊपर का, नहीं लिखेंगे, बैक स्लाइड देखना है क्या, ये देखो। यहां मैंने बोला नेगेटिव फीडबैक होगा, FSH कम हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक होगा, LH का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और ये जब यूट्राइन एंडोमेट्रियम पे एक्ट करेगा तो एक्ट ऑन यूट्राइन एंडोमेट्रियम के सेल को प्रोलीफरेट कर देगा, बना देगा दोबारा से। ठीक है मैम प्लीज राइट इन सेंटर। ओके एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, चलो भैया सेंटर में ही लिखते हैं। मैंने बोला कि ये देखो FSH का लेवल क्या था, डिक्रीज हो गया था, LH का लेवल क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। ये दो पॉइंट आ रहे थे ना यहां पे, और थर्ड पॉइंट क्या था यूट्राइन एंडोमेट्रियम प्रोलीफरेशन। प्रोलीफ्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, मैम प्लीज राइट इन सेंटर बैक स्लाइड में मैम प्लीज रिपीट कर दो पहले वाला, नेगेटिव पॉजिटिव वाला। अच्छा नेगेटिव, अभी मैं दोबारा से पूरा बताऊंगी, एक बार मुझे कंप्लीट कर लेने दो। सडन इंक्रीज लेवल इज कॉल्ड, सब बताएंगे नीलम जी, सब बताएंगे, एक बार आप सुन लो। FSH का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, LH का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एंडोमेट्रियम का प्रोलीफ्रेशन होगा नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक होने से। मैं बैक स्लाइड में जाऊंगी, दोबारा से बताऊंगी, अभी आप इसको सुन लो पहले। अब मैंने बोला सडन इंक्रीज इन LH लेवल, इसको हम बोलते हैं LH सर्ज, इसे हम क्या कहते हैं LS। कल मैं फेजेस वाइज भी बताऊंगी, आज मैं कंबाइनली बता रही हूँ, कल मैं फेजेस में बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज आप समझने की कोशिश करो, नहीं नोट्स बन पा रहा छोड़ दो, कल मैं दोबारा से इसको रिपीट करके आपको अच्छे से बता दूंगी। समझ में आ रहा है, आज आप इस पे फोकस करो। LH का लेवल सडन बढ़ गया, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है हॉर्मोन्स वाला, बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ में बहुत कम भी आता है, बहुत चीज़ें कंफ्यूज भी हो जाती हैं, इसलिए आज एक बार बता रही, जिसे रूबरू रहोगे तो कल एक बार बताऊंगी
तो आप अच्छे से समझ सकते हो। समझ में आ रहा है? आज थोड़ा समझने की कोशिश करो, कल मैं फेजेस में भी बताऊंगी आपको, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे। आपकी बात नेहा जी मुझे बिल्कुल ध्यान में है, मैं करूंगी दोबारा से रिपीट। ठीक है, एल एच का बढ़ा हुआ लेवल क्या करेगा? सडन इंक्रीज इन एल एच लेवल, एल एच सर्ज होगा, और एल एच सर्ज के होते ही यहाँ पे क्या होगा? ओव्यूलेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन। और FSH का लेवल डिक्रीज होगा, FSH का लेवल डिक्रीज होगा तो मुझे बताओ क्या होगा? हाँ कल अच्छे से नोट्स बनवा देंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनेंगे आपके। आज आप समझने की कोशिश करो और अपने थोड़ा सा समझो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, और कल मैं और अच्छे से बता के नोट्स भी बनवा दूंगी, परेशान मत हो। FSH का लेवल, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज होगा। अगर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग लेवल डिक्रीज होगा तो मुझे बताओ क्या होगा? सडन इंक्रीज लेवल इज कॉल्ड, लिखा है ना, सडन इंक्रीज इन एल एच लेवल। सडन यहाँ पे एल एच का लेवल, सडन अगर एल एच लेवल इंक्रीज होगा उसे हम एल एच सर्ज बोलते हैं, एल एच सर्ज बोलते हैं। सडन इंक्रीज इन एल एच लेवल इज कॉल्ड एल एच सर्ज, और एल एच सर्ज की वजह से पीक लेवल ऑफ एल एच की वजह से ही क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, और एंडोमेट्रियम का पॉलीफ्रेशन होगा तो एंडोमेट्रियल की ग्रोथ होती है, एंडोमेट्रियम दोबारा से जो टूट के निकल। मैम अब इस टॉपिक के बाद कुछ नहीं करवाना प्लीज। ओके ओके सुप्रिया जी, नहीं कराएंगे मुझे पता है। ठीक है आप परेशान मत हो, नहीं कराएंगे, फॉलिकल्स ग्रोथ रुक जाए। ठीक है, फॉलिकल्स का लेवल कम होगा तो यहाँ FSH का लेवल कम होगा तो क्या होगा? फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। यहाँ पे जितने भी फॉलिकल्स इमेच्योर थे उसमें सारे फॉलिकल्स रुक जाते हैं एक को छोड़ के। एक डोमिनेंट फॉलिकल्स होता है, वन डोमिनेंट फॉलिकल्स होता है, वो रह जाता है और उसी डोमिनेंट फॉलिकल्स पे LH एक्ट करके ओव्यूलेशन करवाता है। और FSH का लेवल डिक्रीज होते ही जितने भी फॉलिकल्स थे, ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, वो सारे फॉलिकल्स क्या होते हैं? स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन उसमें से जो डोमिनेंट फॉलिकल्स है वो आगे बढ़ते हैं पूरे प्रोसेस तक, ओव्यूलेशन तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ ऑल फॉलिकल्स। ठीक है, एंड एक्सेप्ट डोमिनेंट फॉलिकल्स, एक्सेप्ट डोमिनेंट वन। डोमिनेंट को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे? स्टॉप हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको समझ में आई, नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें बहुत चीजें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग बहुत परेशान। सर्ज मींस क्या होता है? सर्ज का मतलब होता है एल एच सर्ज होना, एल एच का लेवल हाई हो जाना। सर्ज का मतलब क्या होता है? इस सर्ज का मतलब होता है एल एच का बढ़ा हुआ लेवल, इंक्रीज लेवल। समझ में आ गया? सर्ज मींस इंक्रीज लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड इंक्रीज लेवल इज लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीड्स टू ओव्यूलेशन। ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो रप्चर। क्वेश्चन करवा देना। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। बाकी इसको कल आगे डिस्कस करेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक स्लाइड दिखा, ये आज नोट्स नहीं बना, कल मैं दोबारा से बता दूंगी। हाँ ओके ओके बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़ा बातें नहीं, एक चीज देख लो आप। ये क्या? Ovulation and the menstrual cycle. The processes of ovulation and menstruation occur because of the interplay between the pituitary gland. अरे ये क्या चल गया? वीडियो चल गया, वीडियो स्टॉप कर रहे हैं, कल वीडियो दिखाएंगे। इसमें कुछ चीजें फैक्ट्स हैं जो बतानी है, वीडियो में कल दिखाएंगे। क्वेश्चंस, क्वेश्चंस से पहले आप ये अभी मैंने बताया नहीं है, ये बताओ सेकंड क्वेश्चन, ओव्यूलेशन अकर्स ड्यू टू, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? और फिर आगे क्या लिखा है? ओके मैम मैं फिर सर्च की मुझे एक होल्ड कर, ये दिक्कत है? नहीं नहीं अभी तो नहीं है। हेलो, क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं पहले ये तो बताओ। आप तो आंसर दे रहे हो, गुड गुड, यस मैम, चलो ठीक है। ओव्यूलेशन अकर्स ड्यू टू LH सर्ज, FSH सर्ज, बोथ FSH एंड LH सर्ज, नन। अभी जस्ट मैंने करवाया था, ओव्यूलेशन अकर्स ड्यू टू LH सर्ज, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।
अब ये सब आपको अभी समझ में नहीं आएगा, कल मैं कराऊंगी तब ये सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। 50 क्वेश्चंस हैं, कल 1 आवर्स मैं क्वेश्चंस कराऊंगी और सारे क्वेश्चन वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अभी रहने देते हैं, टाइम भी हो गया, आप टायर्ड भी बहुत हो गए हो। तो थोड़ा सा एक और चीज है वो दिखाती हूँ मैं आपको, ये है पूरा मेंसुरेशन साइकिल। ये हम कल डिस्कस करेंगे डायग्राम्स के साथ कि मेंसेस का स्टार्टिंग कौन सा होता है, फॉलिकुलर फेजेस जब मैं कल बताऊंगी आपको, तो फेजेस के अंदर मैं आपको बताऊंगी फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, मेंसेस कैसे होता है, हॉर्मोन्स का क्या रोल रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स का, तो मैंने नाम बताया है सिर्फ, लेकिन कल इसका क्या करेंगे, काम भी समझेंगे, ओवेरियन हॉर्मोन्स, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, फिर बॉडी का टेम्परेचर उसके साथ साथ कैसे होता है, चाहे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आए या फिर डायग्राम में आए, किसी भी तरह से आए तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये देखो ओवरी का डायग्राम जो मैं आपको बता रही थी, ये ओवरी का डायग्राम आपके सामने है, समझ में आ रहा है? ओवरी का डायग्राम आप देखो, ये है हमारा ओवरी। ओवरी के अंदर मैंने क्या बोला था, प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं जो छोटे छोटे साइज में आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स हैं। फिर प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स जो है, ये अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था, प्राइमरी ओवम होता है इस तरह से, ठीक है, प्रिमोर्डियल सेल्स, प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, फिर धीरे धीरे ये डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं, और यही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होता है, रप्चर होता है, और यहां से क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, जिस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोल रहे थे। उसके बाद इस रप्चर्ड पीस से ही क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और कॉर्पस ल्यूटियम फिर से क्या होता है, ग्रो होता है, जब इसको क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो ये डीजेनरेट हो जाता है, जिसे हम कॉर्पस एल्विकंस बोलते हैं। तो ये एक ओवरी का स्ट्रक्चर है, और ओवरी के अंदर कैसे, ठीक है, कोई डाउट है क्या? ये सब बताएंगे अभी, जैसे क्लास अभी अधूरी है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? जब क्लास कंप्लीट होगी तो क्वेश्चन और डायग्राम वो कहीं से भी निकाल लो, आपका सारा निकल जाएगा डायग्राम, ठीक है। तो ये ओवरी का डायग्राम है, इसको ध्यान में रखना है। और ये हमारा यूट्रस है, यूट्रस में ये जो लाइनिंग है, ये क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जो एंडोमेट्रियम है, यहीं से क्या होगा, ये शेड ऑफ होगा, और यहीं से वेजाइना, ये वेजाइना है, वेजाइना के थ्रू ब्लड एक्सपेल आउट होगा, क्योंकि अभी हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं किया है, तो अभी बहुत सारी चीजें उसमें भी हमें सीखना है। मैम एक ही फॉलिकल आएगा, ग्रो करता है, हाँ एक ही फॉलिकल, हर साइकिल में सिर्फ एक ही, दोनों ओवरी में से सिर्फ एक ही फॉलिकल्स होगा जो हर महीने क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और एक ओव्यूलेशन होगा, एक ही ओवम रिलीज होगा, एक ही फॉलिकल्स। इसीलिए फीमेल के पूरी लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ 400 के अप्रॉक्स ही जो फॉलिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फॉलिकल्स का यूज होता है। फॉलिकल्स बहुत होते हैं लेकिन हर साइकिल में एक होगा, तो पूरे लाइफ साइकिल 30 साल का ही उसका रिप्रोडक्टिव एज है, तो कैलकुलेशन लगा लो, टोटल अप्रॉक्सीमेटली 400 ओव्यूलेशन ही होता है, 400 जो उसके फॉलिकल्स का ही यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है, ये हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल था। क्वेश्चंस हम कल कर लेंगे, फिर क्वेश्चंस अभी आपको समझ में आएगा नहीं, ये देखो थोड़ा सा ये थोड़ा लिखना है, आप लिख लो फटाफट फटाफट, मैं बोल रही हूँ। मैम एक ही फॉलिकल आगे ग्रो करता है क्या मैम, ठीक है। ये देखो साइज ऑफ फॉलिकल जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, ये मैं वैसे बताऊंगी, फॉलिकल्स का साइज ओव्यूलेशन से जस्ट पहले कितना होता है, 18-20 mm होता है, और जो ओवम रिलीज होता है, जो ओवा होता है हमारा ओवम, उसका साइज कितना होता है, 130 microns होता है। ये अभी कंप्लीट पीडीएफ नहीं है, तो अभी ग्रुप में नहीं डाल सकते, क्योंकि मैं क्लास के साथ ही अभी मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। आप जैसे जैसे समझोगे आप अपने आप ही इसका आंसर पूरा कर लोगे, ये क्वेश्चन के टाइप में वन लाइनर क्वेश्चंस हैं एक तरह से। मैम प्लीज कल कल कल, ठीक है ठीक है, चलो इसको बंद ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। अगर कोई डाउट है कुछ भी है तो कल आप पूछ लेना,
नोट्स को प्लीज रिवाइज करना, क्योंकि आज हम नहीं करवा रहे हैं, आप लोग बहुत थक गए हो और ऐसा होता है फोन पे या लैपटॉप पीसी जहां पे भी आप क्लासेस सुन रहे हो तो वहां पे एक कंटिन्यूअस में फोकस करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। जितना भी पूरा स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ाया है वो अच्छे से लिख के नोट्स बना के रिवाइज करके और कल की क्लास ज्वाइन करना, क्योंकि जो 50 क्वेश्चन का भी मैंने आपको पीडीएफ दिखाया था, 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने लास्ट क्लास और कल की क्लास को अच्छे से सुनोगे। समझ में आ रहा है? तो कल हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंप्लीट करेंगे और उसके क्वेश्चंस को करेंगे 50 क्वेश्चंस को, और हर क्लास का पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे, आपका टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड, चाहे 20 क्वेश्चन हो, चाहे 10 क्वेश्चन हो, चाहे 50 क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन उससे एग्जाम में आए हुए हैं या इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो मैंने बनाए हुए हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगी और क्वेश्चन का आंसर क्लास में ही डिस्कस करेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप नोट्स बनाते रहो, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कॉल करो, और जब मेरी क्लास होती है मैं यहाँ पे अवेलेबल होती हूँ, आके पूछना चाहते हो, फोन पे पूछना चाहते हो, जिस तरह से आपको सुटेबल लगता है मैं उस तरह से आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लूंगी। और अपने गाइड्स के एमसीक्यू को सॉल्व करते रहो डियर, ठीक है, क्योंकि वही आपका आधार बनेगा, जब आपकी पूरी कोचिंग क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तब भी आपको लगेगा यार अब क्या करें क्या करें, तो साथ साथ अगर करते रहोगे तो आपको ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी कोई भी तरह का, किसी भी तरह का आपको क्वेश्चंस मतलब डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या चीज़ यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और यहाँ नर्सिंग एक्सपर्ट का हमेशा का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, स्टूडेंट का गाइडेंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपको सही पाथ मिल जाता है ना तो आप कितने बड़े से बड़े मुश्किल को क्या कर सकते हो, ईजिली आसान कर सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये मेरा मानना है और ऐसा किया है मैंने, खुद ने किया है और मेरे सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे ने किया है। अभी मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ वहाँ पर मेरे खुद के स्टूडेंट्स मेरे साथ में हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से देखते हैं कि हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। एम्स में भी थे, मंगलगिरी में भी थे, रायपुर के भी बहुत सारे थे, मैं ज्वाइन नहीं किया, और डीएसएस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ आओ, ज्वाइन करो और आपकी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, कल मिलते हैं।